हाय मेरे बंधु एंड बंधियों, हैप्पी टीचर्स डे आप सभी को, है ना। टीचर का सबसे बड़ा गिफ्ट क्या होता है? ये शर्ट या गिफ्ट या ये वॉच, क्या होता है? रिजल्ट होता है। क्या होता है सबसे बड़ा गिफ्ट? क्या होता है गिफ्ट? रिजल्ट। हाँ, रिजल्ट और सम्मान। अरे रिजल्ट दोगे तो सम्मान भी होगा, है कि नहीं? चलिए ठीक है। मैं बेसिक मैथमेटिक्स का कौन सा लेक्चर लेके आया हूँ? दूसरा। कौन सा? आज एक्साइटमेंट में लग रहे हैं। लेक्चर नंबर 5 है ना, बेसिक मैथमेटिक्स का, फिजिक्स में। होमवर्क मैंने क्या क्या दे के रखा था? ग्राफ बनाने के लिए y = x और y = -x और x2 + x4 + 1 = 0। मैं सब होमवर्क दे के रखा था ना, आई होप सभी ने बना लिया हो, फिर मैं इसे बता देता हूँ। ठीक है, आगे चलाता हूँ। अगर आपका एक स्वच्छ और नेक तो उसे आपको मिलाने में पूरी कायनात साथ देगी। रिजल्ट के प्रति अगर सच में आपको उतना है, उतना बड़ा इरादा, तो फिर कोई रोक नहीं पाएगा आपको, है ना। फिर बहाने नहीं दोगे। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? y = x। मैंने पहले बताया था ना कि समुद्र में तैरने से पहले कहाँ तैरना चाहिए? नदी में। नदी में तैरेगा, तालाब वगैरह में, है ना। तो मैं ये कह रहा था, कुछ भी करना तो उसके पहले कुछ जानना है ना। मैं बीच का चीज उठा के ये चीज बताया था ना, वाई पर देश सिंपल सा ग्राफ किसा बन जाएगा, स्ट्रेट लाइन का ना, सिंपल सा है कि नहीं। y = -x का कैसे बनेगा? वही बनेगा। और दूसरा y vs x का है ना, मैंने बता रखा था ना, y vs x² का कैसे बन जाएगा? ऐसे बन जाएगा, मैंने बता रखा था ना, y = x² है ना, इस पर ऊपर चल जाएगा, है ना। अगर y = 1/x है, 1/x है तो क्या हो जाएगा? नीचे आ जाएगा, है कि नहीं है? मैंने सब बता के रखा था, है कि नहीं? हालांकि फिर से बताऊंगा, बता के रखा था कि नहीं? y = x हो गया। √x का कैसे होगा? ऐसे बता के रखा था ना, ये सब कोई दिक्कत है? ये अगर आप पे आता हूँ, ठीक है, आगे बताऊ। y = क्या? एक्स ना, मैं एक्स ले रहा हूँ, उसका ग्राफ कैसे बना दिया आप लोग बिना सोचे समझे, बस ऐसे ही, क्योंकि मैंने बताया था तो आप लोग ने बना दिया। स्ट्रेट लाइन का ही है ना ये, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कैसे होता है? स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कैसे है? y = mx + c होता है कि नहीं होता है? होता है ना, ठीक है। वाई यहाँ पे वाई दिया हुआ है ना, है कि नहीं? वाई यहाँ दिया हुआ है, सी यहाँ पे कुछ दिया हुआ है क्या? भाई कुछ नहीं दिया, क्या होगा? जीरो। कुछ नहीं दिया तो जीरो होगा, है ना। यहाँ x के साथ कुछ नहीं तो 1 होगा ना, तो सुलभ तो 1 है ना, ये क्या हो जाएगा? x कितना है? x ही होगा, यही हो जाएगा आंसर। तो क्या आप बताओ? हाँ, 10 45 डिग्री, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड, सही बोले। ये सुलभ इक्वल टू क्या होता था? m = tan θ ना, m = क्या होता है? tan θ। तो 1 का वैल्यू किसका होता है? 10 45 डिग्री का मान होता है। किसका होता है? 10 45। 1 वैल्यू होता है इसका, तो 20 से बनता है। अभी सोचिए 20 अगर क्यों जा रहा है भाई, 45 डिग्री से जा रहा है, कहाँ जा रहा है? अच्छा, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? दिखा था सभी नहीं ना? ए पापा सिंह, यहाँ देख, y = क्या लिखा मैंने? x। तो y स्ट्रेट लाइन इक्वेशन का ग्राफ क्या होता है? इक्वेशन mx + c। यहाँ को c कुछ नहीं दे रखा है ना, तो प्लस अपने मान के जीरो ले लूंगा। इंटरसेप्ट क्या है? जो तो y पे कहीं कट नहीं करेगा, सिंपल सा, y पे कहीं कट नहीं करेगा। x तो x है, यहाँ पे m जो है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 होगा ना, क्या है? 1 है, तो m कितना हो गया? 1। x कितना हो गया? x ही। और c कितना है? 0। c का मतलब क्या था? इंटरसेप्ट y पे क्रॉस, यहाँ पे देखो y पे कहीं कट किए का, ये है ग्राफ, ये x हो गया, ये y, ये नेगेटिव y और ये नेगेटिव x। देखो तो x पॉजिटिव पे है ना, पॉजिटिव ही हो गया है ना, और ये m जो 1 है, m का मतलब tan θ होता था कि नहीं होता था? tan 45 डिग्री, 45 पे जा रहा है। तो x = क्या है? x = x लिया हूँ x की तरफ। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? दिक्कत हुआ नहीं ना? tan θ का मतलब क्या होता है? स्लोप। tan θ का मतलब क्या होता है? स्लोप। y = -x। अब क्या करोगे? इधर से बना लेंगे। हाँ, वेरी गुड। क्या होगा? 1 मतलब इधर से 45। हाँ, इधर से 45। सुनना, इस स्क्रीन में कुछ बताता हूँ, ठीक है, प्लीज को कर लेता, उसके बाद बताता हूँ। y = 2, ठीक है, -x है ना, प्लस स्ट्रेट लाइन क्या होता है? कंपेयर करो, स्ट्रेट लाइन क्या होता है? y = mx + c होता है। यहाँ पे c कुछ है क्या? नहीं। तो क्या कर लेंगे? 0 का मतलब इसको यहाँ पे निकलता, नीचे लिखता हूँ, फिर से लिख रहा हूँ मैं। m यहाँ पे कितना? कुछ नहीं तो 1 होगा ना, -1 ना, कुछ नहीं तो -1 होगा ना, x तो x ही होगा, है कि नहीं है? c यहाँ पे कुछ है क्या? कुछ नहीं, क्या होगा? 0 होगा। ये तो स्ट्रेट लाइन क्वेश्चन हो गया, इसको ड्रॉ कर दो, है कि नहीं है? कोई दिक्कत है इसमें? एकदम सेकंड क्वाड्रेंट में जिसमें आएगा वो तो अभी हमें नहीं पता, तो
मैं देखूंगा क्वाड्रेंट का, अगर मैं बताऊं माइनस वन किसका वैल्यू होता है, टेन एक सौ पैंतीस डिग्री का वैल्यू क्या होता है, माइनस वन होता है, क्या होता है माइनस वन, दिक्कत किसी को क्या था, टेन थ्री वन थ्री फाइव का माइनस वन और टेन फोर्टी फाइव का किसका था वन प्लस वन ना, देखो जब टेन प्लस वन आया तो मैंने इधर ले लिया, जब माइनस वन आया किधर लूंगा, एक सौ पैंतीस डिग्री लूंगा, क्या लूंगा एक सौ पैंतीस डिग्री, मतलब कैसे ले लेंगे अगर आपको ऐसे ले लेंगे है कि नहीं है, कितना डिग्री हुआ ये एक सौ पैंतीस डिग्री, कितना हुआ एक सौ पैंतीस डिग्री, कोई दिक्कत क्या नहीं ना, देखो वाई को कोई इंटरसेप्ट किया है वाई को नहीं, क्या वाई क्या था इंटरसेप्ट जीरो था, कोई दिक्कत एकदम क्लियर हुआ कि नहीं, अब y इक्वल टू एक्स टेन कितना 45 डिग्री, सिंपल सा ग्राफ कैसे बन जाएगा ऐसे, ठीक है, और y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ कैसे बन जाएगा सिंपल सा एकदम इससे, ठीक है, मैं एक चीज अगर बताऊँ तो माइनस एक्स की तरफ बन जाएगा, पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव एक्स की तरफ बन जाएगा, तो सबसे आसान हो गया, समझा क्या बोले, सिर्फ पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव एक्स की तरफ बन जाएगा और नेगेटिव एक्स तो बस नेगेटिव एक्स की तरफ बन जाएगा, एक्स से ही लेंगे भैया, हां एक्स से, हां एक्स से लेंगे, ठीक है, तो कोई दिक्कत था सर, क्या किसी को इसको मिटाऊं, आसेस के लिए हुआ है सब जी, आगे बढ़ू तब, मैं एक और क्वेश्चन दिया था ना, मैं एक्स बाय थ्री, ए बाबा सिंह देख रहा है स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है, क्या होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जिस जो भी इससे शूट कर गया ना वो क्या हो जाएगा स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, मैं इस पहले से क्वेश्चन पूछूं, y इक्वल टू टू एक्स प्लस फोर है कि नहीं, ये चीज लिखते हैं कि नहीं, किसका इक्वेशन है ये स्ट्रेट लाइन का, ये स्लोप m हो जाएगा, ए भोपाल सिंह इधर देख, ये m हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसी इंटरसेप्ट, किसके बराबर होता है y के बराबर है कि नहीं, यार कोई दिक्कत किसी को, अरे मैंने बार बार इसको सी के वाई के बराबर ले रहा हूँ, कब ले सकता हूँ ऐसा, जब एक्स क्या होगा पॉजिटिव जीरो तभी तो वाई इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट का मतलब क्या था, व्हेन एक्स इज जीरो, वाई इंटरसेप्ट का मतलब क्या था, वाई जब जीरो हो एक्स जीरो, व्हेन एक्स इज जीरो, व्हेन क्या एक्स इज जीरो, देखो ना इधर ध्यान से, वाई इंटरसेप्ट में बार बार बोल रहा हूँ इंटरसेप्ट, तो क्या ले रहे हैं, क्या ले रहे हम लोग, वाई इंटरसेप्ट का एक्स यहाँ जीरो, यहाँ पे जीरो रख देंगे तो जीरो नहीं हो जाएगा, जीरो ही हो जाएगा, वाई इक्वल क्या बचेगा, अब आया समझे, बस y इक्वल टू मैं लिखा दे रहा था, आज फिलहाल क्यों लेते हैं y इक्वल टू चार, x y इंटरसेप्ट का मतलब x क्या होगा वहाँ जीरो होगा, y इक्वल टू फोर एक्स प्लस फोर, ये चार क्या है किसके बराबर, y के बराबर होता है इंटरसेप्ट है ना, c के बराबर ये y के बराबर होता है ना, ठीक है, y के बराबर होता है कि नहीं होता है भाई, यहाँ y के बराबर कहाँ, यही तो y है, y के बराबर का है कब, चार है क्या, इनको चार एक्स है, y इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता था, जहाँ x क्या हो जीरो, x जहाँ क्या हो जीरो, मैं x यहाँ पे जीरो रख दूँ, चार गुना जीरो प्लस चार, चार गुना जीरो चार ही जीरो हो जाएगा ना, पता क्या चार, y बराबर क्या आ गया चार, ये है x को क्या लेंगे वहाँ पे जीरो लेंगे, x को वहाँ पे क्या लेंगे जीरो, आया समझ में कंजना फाइव, कोई दिक्कत क्या, अब मैं बोलूँगा यहीं पे बोलता हूँ, सुना ध्यान से एकदम, x इंटरसेप्ट बताओ, एक्स इंटरसेप्ट बताओ, जब y पर क्या लेंगे, वेयर y इक्वल टू जीरो, वेयर y इक्वल टू जीरो, तो इसको क्या मान लेंगे हम लोग जीरो, क्या मान लेंगे जीरो, तो चार एक्स प्लस चार, चार इधर जाएगा मतलब इधर चार माइनस चार होगा कि नहीं होगा, माइनस चार चार एक्स होगा, चार से चार कट गया, एक्स और क्या गया माइनस वन, ये एक्स इंटरसेप्ट हो गया, नहीं समझ में, तो नॉर्मल वेयर हम एक्स इंटरसेप्ट का मतलब क्या है, वाई को जीरो ले लो, और वाई इंटरसेप्ट का मतलब क्या है, एक्स को जीरो ले लो, आ समझ में, इसलिए डायरेक्ट बोलते थे ये वाई के बराबर, क्यों पता है वाई इंटरसेप्ट में, तो एक्स जीरो लेंगे टोटल क्या हो जाएगा, जीरो ही हो जाएगा ना, है कि नहीं है, नहीं है समझ में सर, अब मिटा दो इसे, फिर से बोल देता हूँ, y इक्वल टू फोर एक्स प्लस फोर, ये y इंटरसेप्ट का मतलब ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जब x इंटरसेप्ट हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, है कि नहीं, आगे बढ़ो, चलो ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बन सकता है कि नहीं बन सकता है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या होता है, बन जाएगा, हाँ y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, बस इधर एक y होना चाहिए, इधर एक क्या होना चाहिए, x होना चाहिए, बन जाएगा, याद रखना स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के लिए बस मिनिमम कंडीशन क्या पता है, एक इधर y होना चाहिए, इधर क्या होना चाहिए, x होना चाहिए, भाई ये जीरो होगा चलेगा,
ये जीरो होगा, इंटरसेप्ट चलेगा, पर इधर एक वाई होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एक्स होना चाहिए, वो क्या बन जाएगा, हिस्टोग्राम इक्वेशन बन जाएगा। बहुत बड़ी बात है, क्या रखना, इधर एक क्या होना चाहिए वाई, इधर एक क्या होना चाहिए एक्स, हिस्टोग्राम इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, तो इसको मिलाना है, किससे मिलाना है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो देखते हैं। ठीक है, आगे बताओ, तो देखो हमको y एक साइड लाना है ना, इसको एक साइड लाना है, तो इधर करने इसको माइनस नहीं हो जाएगा, y बराबर चार है कि नहीं है, मैं इसको इधर कर दे रहा हूँ, एक्स वाई थ्री कर सकता हूँ कि माइनस एक्स बाई थ्री, ये एक्स वाई थ्री वाई पॉजिटिव में है, मैं इधर कर दूंगा तो माइनस एक्स बाई थ्री नहीं होगा, ये प्लस वन को इधर कर दूंगा माइनस वन नहीं होगा, तो देखो ये चार जाके दोनों मल्टीप्लाई नहीं हो जाएगा, वाई पर क्या जाएगा माइनस फोर एक्स वाई थ्री चार, इससे भी तो मल्टीप्लाई जाएगा माइनस फोर, बन गया इसमें नहीं हो सकता, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, सी की जगह पर चार आया है, एक्स की जगह पर एक्स है, एम की जगह पर क्या है माइनस फोर बाई थ्री, हाँ माइनस फोर, हाँ बिल्कुल माइनस फोर है, नॉट ओनली फोर बाई थ्री माइनस फोर बाई थ्री, नहीं आया समझ आया, बन जाएगा ना, मैं फिर से करता हूँ। ठीक है, चलो देखो मैं इसको स्टेटमेंट इक्वेशन बनाना है, इसके बारे में लाना है ना, तो ये जो था हमको वाई इधर ही रखना, एक्स को इधर ले जाएंगे और एक को भी इधर ले जाएंगे, तो वाई बराबर चार, तो मैं इसको इधर ले जाऊं माइनस एक्स बाय थ्री, फिर माइनस वन को इधर ले जाऊंगा, अब बन गया ना चार, जाकर इधर मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा, वाई पर क्या होगा माइनस चार एक्स बाय थ्री, चार बार इससे मल्टीप्लाई हुआ क्या होगा, इससे माइनस चार होगा, एकदम सेवन एट का मैथ है कि नहीं है, अब मैं पूछता बता स्लोप कितना है, माइनस फोर बाय थ्री, सुलभ क्या है माइनस फोर बाई थ्री, इंटरसेप्ट बता माइनस चार है, बहुत बढ़िया, क्या दिक्कत है भाई सब में, पता इसका एक ग्राफ के सामने ग्राफ ये हां नीचे से वही जाएगा जैसे जा रहा है, डिग्री में कितना लेता है, डिग्री में माइनस वन बाई थ्री, फिफ्टी थ्री, फिफ्टी थ्री नहीं, फिफ्टी सेवन, फिफ्टी सेवन, फिफ्टी सेवन, फिफ्टी थ्री, फिफ्टी थ्री ना, फोर बाई थ्री, टेन फिफ्टी थ्री डिग्री का वैल्यू कितना होता है, फोर बाई थ्री, चलो कितना होता है, टेन फिफ्टी डिग्री का फोर बाई थ्री कितना होता है, टेन फिफ्टी थ्री डिग्री का फोर बाई थ्री, इसको दिक्कत है अच्छा सभी, नहीं नहीं ना दिक्कत है, दिक्कत नहीं है, कितना होता है टेन फिफ्टी डिग्री का वैल्यू, चार बटे तीन, कितना होता है चार बटे, इनको दिक्कत है सर, कितना होता है चार बटे तीन है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फोर्टी फाइव, फिफ्टी थ्री डिग्री हो जाएगा ना, एक दो का सकल दिख रहा है सड़ा चौखा जैसा एकदम, छोटा मक्खी बैठ जाएगा अभी, ये भी हो जाएगा चार चार तीन पाँच, और ये तीन वाला क्या हो जाएगा, तीन चार पाँच, फोर्टी सेवन का हो जाएगा है कि नहीं है, मैं फिफ्टी थ्री का क्या बोला, टेन फिफ्टी थ्री का मतलब देखो स्लोप क्या एम है ना, जो भी हो टेन का ही तो मान होगा, टेन थीटा का ही तो मान होगा, कितना है चार बटे तीन है ना, चार बटे तीन है ना, मैं पता करता हूँ फिफ्टी थ्री का कितना हो जाएगा, टेन फिफ्टी थ्री डिग्री ना, पी वाई पी होता है कि नहीं होता, ये पी वाई बी, ये बी हुआ ना चार बटे तीन, मतलब टेन कितना टेन फिफ्टी डिग्री का मान है, किसका मान है टेन फिफ्टी थ्री डिग्री का, पर तो माइनस में है, तो माइनस में है, इसमें है माइनस में, ठीक है बताऊँ तो कैसे आएगा, आगे वाला माइनस वाला सुनना ध्यान से, 90 से पहले जितने भी वैल्यू है ना वो पॉजिटिव होता है ना, इसको ऐसे लिस्ट में याद रखें, इधर क्या है 90 से पहले कितना था पॉजिटिव होता है, 90 बार क्या होता है सब नेगेटिव होता है, क्या होता है नेगेटिव होता है ना, चलो बता इधर जो है कितने में पॉजिटिव आएगा, चार बटे तीन फिफ्टी थ्री डिग्री में ना, नब्बे और फिफ्टी थ्री में कितना डिफरेंस है, थर्टी सेवन का डिफरेंस है ना, नब्बे बाद उसको जोड़ देना वही नेगेटिव है, अच्छा इसकी डेट हुआ क्लियर हुआ, जैसे मैंने क्या बताया फिर से मैं बोलता हूँ, ऐसे नोट कर लेना, ठीक है आप पॉजिटिव प्लस सब याद रखो, कौन सा याद रखो, नब्बे से कम में क्या होगा पॉजिटिव होगा और नब्बे से ज्यादा क्या होगा नेगेटिव होगा, क्या होगा नेगेटिव होगा, तो मैंने टेन जो था क्या था टेन फिफ्टी थ्री डिग्री का मान कितना रखा, फोर बाय थ्री रखा था ना, कितना रखा था फोर बाय थ्री, तो इधर क्या होगा फोर बाय थ्री होगा पॉजिटिव में कितना फिफ्टी थ्री डिग्री पे ना, तो भाई मेरा तो नेगेटिव है, क्या बोला मैं माइनस चार बटे तीन, तो पता नब्बे से ज्यादा वाला क्या होता है नेगेटिव होता है, नब्बे और इसमें कितना डिफरेंस है 37 ना, जितना डिफरेंस होगा भाई नब्बे में जोड़ना, डिफरेंस क्यों क्या करना नब्बे में जोड़ना, नेगेटिव वैल्यू लाने के लिए, कौन सा वैल्यू लाने के लिए, नेगेटिव वैल्यू लाने के लिए पॉजिटिव वाला का डिफरेंस किसका, पॉजिटिव वाला का डिफरेंस 90 वाला का डिफरेंस, ठीक है
पॉजिटिव वाला का डिफरेंस नेगेटिव वाला का डिफरेंस जो भी आएगा तो उसको 90 से क्या करना जोड़ देना, क्या करना जोड़ दे 127 हां 137 आया कि नहीं आया समझ में? नहीं आ रहा समझ में? जो भी पॉजिटिव वैल्यू होगा 90 से पहले वाला, 90 से पहला जो भी पॉजिटिव इधरों का क्या निकालेंगे डिफरेंस निकालेंगे, और जो डिफरेंस आएगा 90 क्या करेंगे जोड़ देंगे, वही नेगेटिव का वैल्यू, वही किसका वैल्यू होगा नेगेटिव का वैल्यू होगा। आया समझ में? ठीक है आगे पर समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत है थोड़ा सा भी नहीं ना? चलो आ गया तो दिक्कत एक चीज बताओ, 3/4 जो है 3/4 माइनस 3/4 किस में आएगा पहले बताओ, पॉजिटिव 3/4 किस में आएगा? चलो इसको मैं बाद में करूँ। 37 भाई किसका 37 10 37 3/4 10 37 भी आएगा कैसे बताओगे ये कहाँ है? ऐसा कुछ बोला गया बस मैंने क्या बोला प्लस 3/4 बताओ, कुछ भी तो हो सकता है। 37 होगा तो मैं 3/4 को नीचे लिख दूंगा, 53/4 को मैं बी मान लूंगा, कैसे बोलूंगा? यहाँ पर कुछ डाटा नहीं दूंगा, किसी बात में गलती नहीं होनी चाहिए। मैं बताओ साइन 37 का वैल्यू कितना होगा? आगे मैं बताऊं इसे आसान लगा ना, बता इसको कैसे बताया जाता है सुन। टेन मान लेता हूँ अल्फा, क्या मान लेता हूँ अल्फा, टेन अल्फा हम लोग का कितना आया था माइनस 4/3 ना, कितना आया था माइनस 4/3 ना, तो अल्फा जो है क्या मान लेता है नेगेटिव है ना, क्या है नेगेटिव ना, तो उसको मान लेता है क्या टेन 90+θ है ना, माइनस कितना 4/3 90 प्लस थीटा का वैल्यू क्या होगा रे 10 90 प्लस थीटा 10 चेंज होगा नहीं होगा ना, क्या होगा जो कॉट हो जाएगा और सेकंड क्वाड्रेंट में आया ना तो नेगेटिव होगा माइनस कॉट थीटा, माइनस कॉट था माइनस माइनस 4/3 माइनस से माइनस क्या हुआ कट गया तो कॉट थीटा कितना आया 4/3 आया, कितना कॉट थीटा 4/3 आया भाई, सुनना ध्यान से कॉट थीटा कितना आया 4/3। हम लोग को निकालना क्या था, क्या निकालना था अल्फा का वैल्यू ना, अल्फा का निकालना है ना, मैं अल्फा लेकर चला हूँ ना, 10 α = -4/3 तो मुझे किसका वैल्यू निकालना है अल्फा का ना, देखो ये तरीका है अल्फा का वैल्यू, मैंने थीटा पता चल गया ना, थीटा कितना 4/3 तो बताओ एक बात कॉट कितना थीटा में 4/3 होता है, पहले बता कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है बी बाई पी होता है ना, मैं लिखता हूँ 3, 4, 5 लिखता हूँ ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा ये पी हो जाएगा एकदम सही बोले, कितना 37 का बना रहे है ना, कितना किसका होगा 37 का 37 डिग्री भाई बता कॉट अभी लाए हैं ना, वो क्या लाना था 10 ना, बस थीटा मैंने निकाला 37 है, यहाँ पे थीटा क्या करेंगे ऐड करेंगे, थीटा क्या करेंगे ऐड, 90 में 37 ऐड करेंगे कितना होगा 127, इतना करने के बाद आंसर आएगा, मैं डायरेक्ट निकाला ये करूंगा तब ये आंसर आएगा, इसको क्या करेंगे साइड करेंगे ठीक है कि नहीं, ये तरीका है, तरीका देखा कैसा है, यही बताया जाएंगे समझ में आ रही है चीज, और वो जो बताओ ज्यादा मजा आया कि मजा आया है ना, उसको बस थोड़ा सा दिमाग लगता है इसमें भाई, मैं क्या बोलेंगे उसको, तुम लेबर हार्ड करो मजदूरी करो है ना, ये तरीका है इसको यूज भाई, बोले 2023 में बैठेगा निकलेगा कब 2029 में, ये सब करने लगे कुछ आया समझ, ज्यादा आया भी नहीं होगा दिमाग में ये।
तरीका भी मैंने बता दिया, अगर किसको जानना है तरीका देख लेना वीडियो मेरे क्लिक करके। पर ये क्या है बेस्ट है जो अभी मैंने बताया, क्या बताया मैंने, क्या बताया बता, जो डिफरेंस होगा ना पॉजिटिव वाला में, जैसे मान लेता हूँ 37° 90', ये 37° 5' है आंसर, कितना 3 और मेरा आ गया है -3/5 है ना, तो जो पॉजिटिव में होगा ना आंसर, नेगेटिव में भी वही होगा, लेकिन दोनों का डिफरेंस हो 90 क्या कर देंगे 8 कर देंगे, इसका डिफरेंस कितना 53°, इसको 8 कर देंगे 53°, जैसे 8 करेंगे वो क्या हो, जो भी आएगा क्या वो नेगेटिव वाला भी होगा, एकदम क्लियर हुआ था जबरदस्त एकदम। आए चलो क्या किसी को और डाउट है, कह रहे नहीं। अरे एक्साइटमेंट नहीं दिख रहा आज, नहीं तुम लोग का क्लियर हुआ कि नहीं, दम नहीं लग रहा है, क्लियर हुआ या नहीं हुआ, आगे चलो। मैं किसी को मैं बता रहा था ना, मैं बोल रहा था इसका ग्राफ बताना है ना, इसका क्या बताना है, इसका क्या बताना है, ग्राफ बताना, इसका क्या बताना है बता दो, ग्राफ y = -4x/3 - 4 y = क्या हो जाएगा -4। चल बता दो इसका ग्राफ कैसे होगा, मैंने तो पहले पता किया -4/3 किसका वैल्यू है, पहले -4/10 का स्लोप का मतलब क्या होता है, स्लोप का मतलब कितना आया है, एम जो है कितना -4/3 है, तो एम का मतलब क्या होता है -4/3 है ना भाई, 4/3 37 का होता है ना, 53 का होता है, 53 का होता है, डिफरेंस 37 आया था, नेगेटिव वाला वैल्यू आएगा, तो कितना होगा साइन 127°, नहीं आया समझ में, अच्छे से एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, सुन रहे थे अच्छे से, मैं तो देख रहा हूँ अच्छे सर बैठ रहे, मैं क्या बोला इसे इसको पॉजिटिव में बैठो, आपको नेगेटिव में निकालना है, किसमें निकालना है, नेगेटिव में भाई, पॉजिटिव वाला का 53 में था, 90 में जो डिफरेंस आएगा ना, वो डिफरेंस 37 आया, उसको 8 कर देना 90 से, जो भी आ गया वो एक साथ वो नेगेटिव वैल्यू देगा, कौन सा वैल्यू देगा, वही पॉजिटिव वैल्यू क्या देगा, नेगेटिव वैल्यू देगा, ध्यान कॉन्सेंट्रेशन लेवल बहुत खराब है, हाँ सही बताया वेरी गुड, पर मैं देख रहा हूँ ना कॉन्सेंट्रेशन बहुत आधा ठीक है, तो आधा घंटा करो देखो फिर कितना मजा आएगा पढ़ने में, फिर लगे क्लास में और ज्यादा मान लगे, भाई कोई दिक्कत है इसमें किसी थोड़ा सा भी नहीं, अच्छे से क्लियर नहीं हो रहा है, एकदम क्लियर है ना, आगे बढ़ो चलो, इसको मैं बोल रहा था ग्राफ इसका ड्रॉ करने, पता थीटा कितना मैंने पता किया 127°, इतना भी तो गया भाई नेगेटिव स्लोप दिखा रहा था 90 क्या होगा, ऑब्वियसली भाई मैं तो वो भी ना करूँ, अगर मेरा बस डिग्री डिग्री में भी पता चल रहा था, अरे नेगेटिव स्लोप कैसा होगा, 90 ज्यादा होगा ना, चलो इंटरसेप्ट कितना माइनस आ रहा है ना, यहाँ से क्रॉस करना पड़ेगा है कि नहीं है, ऐसे बनाऊंगा क्या, इसमें तो ये नेगेटिव तो हो जा रहा है, माइनस आर नेगेटिव में हो रहा है कि नहीं, माइनस आर भी नेगेटिव में हो तो रहा है, माइनस आर ये हो रहा है ठीक है, लेकिन एक्स से भी लेंगे तो डिग्री 90 से ज्यादा, चलो मैं चेक करूं, चिंता करो आपने कॉपी चेक करो, MX+C है, अब सही है कि गलत है, बोलो 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 क्या बोल रहा था, सबसे पहले मिला देखो मैंने रहा था आंसर सही होगा नहीं मिल रहा है, सी माइनस साल जा रहा है यहाँ पे माइनस साल है ना, एक्स कितना है, एक्स से लेंगे 27, एक्स कितना, एक्स एक्स पॉजिटिव 3 है भैया, 3 कहां कोई एक्स नहीं है, एक्स 0 एक्स इंटरसेप्ट कैसे निकाल, अभी तुरंत निकालना सिखाया हम, एक्स इंटरसेप्ट कैसे निकालेंगे, वाई को जीरो लेके ना, जब वाई को जीरो ले लेंगे माइनस चार इधर प्लस चार नहीं हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा प्लस चार, इधर माइनस चार बटे एक्स बटे 3 हो जाएगा ना, तो चार से चार कटा तो एक्स का वैल्यू -3 आ गया, यहाँ पर मतलब क्या होगा -3, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ रे, ध्यान नहीं दोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, और ध्यान दोगे तो सब समझ में आएगा, है ना, इतना छोटा बड़ा बड़ा दिक्कत है, तब -4/3x माइनस कितना आया, 4 आया था ना, m कितना, थीटा मैंने सिखाना सिखाया ना, थीटा कितना आया था 127°, इसका कोई दिक्कत नहीं है, अब इसको साइड रखते हैं ठीक है, अब मैं बोला ये क्या है आपका स्लोप है ना, स्लोप से मैं स्लोप का बस काम है थीटा निकालना, क्या निकालना, थीटा मैंने निकाल लिया, चलो ये y का वैल्यू कितना दे रखा है 4 ना, क्यों मैं x को 0 ले लूंगा तो बस मेरे पास -4 ही बचेगा ना, क्या बचेगा -4 बचेगा,
सी बराबर हो गया है कि नहीं है। अब मैं क्या निकालना, एक्स निकालना, क्या निकालना एक्स। जब एक्स निकालेंगे वाई क्या लेंगे, जीरो लेंगे। जब एक्स निकालेंगे वाई क्या लेंगे, जीरो है ना, वाई क्या लेंगे जीरो। जीरो इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस चार बटे तीन एक्स माइनस चार। भाई माइनस चार आगे देखते हो प्लस हो जाएगा, माइनस चार बटे तीन एक्स, चार से चार कटा तीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा एक्स इक्वल टू माइनस थ्री। एक्स का वैल्यू क्या आ गया माइनस थ्री। तो छोटा सा मैथमेटिक्स है सिक्स सेवन का, है कि नहीं है, माइनस थ्री को दिक्कत। तो चलो मैं ग्राफ बनाता हूं, वाई का वैल्यू कितना आया है माइनस चार। जब वाई को जीरो लूंगा तो एक्स का वैल्यू कितना आएगा माइनस तीन आएगा, कितना आएगा माइनस तीन आएगा। तो मैं ऐसे बना दूँ, ये माइनस क्या हो जाएगा चार, ये क्या होगा माइनस तीन। और यहाँ जो थीटा बनाऊँ कितना होगा एक्स का, सब साइड कर ग्राफ बन गया भाई। ये बहुत ज़्यादा ग्राफ हो गए, आया कि नहीं समझ में, दिक्कत है क्या इसमें थोड़ा सा भी? नहीं 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 एकदम क्लियर है। डिग्री पे छोड़ दो, डिग्री तीन चारों का सेंध दिया तो वाई देखेंगे, तब एक्स देखना पड़ेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बोले तो क्वेश्चन क्लियर, आगे बढ़ते हैं। चलो अभी होमवर्क कराने में टाइम लग गया, सारे अच्छे क्वेश्चन थे। मैं देखता हूँ किस चीज को सही बताते हैं। बहुत सारा क्वेश्चन कराया था उसने, स्टेट लाइन इक्वेशन क्या होता है भोपाल सिंह, वाई एम एक्स प्लस सी, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। वाई को वाई लिखे एम कितना होगा, मैंने कितना दिया है 45 डिग्री का, 90 से कम दिख रहा है तो नेगेटिव कहाँ से होगा, 90 से कम है एम नेगेटिव कहाँ से होगा भाई। टेन थीटा लिखो ना, मैंने कितना बार 16 पीपल क्या होता है टेन थीटा, 16 पीपल टू टेन थीटा, थीटा कितना देगा 45 ना 1 होगा ना, एम का वैल्यू कितना होगा 1 होगा भाई। टेन थीटा बस बताया, 16 पीपल टू टेन थीटा है कि नहीं, 16 पीपल टू टेन थीटा। चलो अब एक्स का वैल्यू बताओ, एक्स का वैल्यू ग्राफ देखो, ग्राफ देखो, ग्राफ का ये एक्स है कि नहीं है, तो पहला जो बता वो एक्स होता है और दूसरा वाई होता है। जब वाई जीरो तो एक्स कुछ होगा, जब एक्स जीरो तो वाई कुछ होगा। एक्स का कितना होगा माइनस थ्री, सब तो बल्कि रिविजन नहीं करता है, वाई का कितना है चार है। तो क्या लिख दूंगा, माइनस एम का वैल्यू वन आया है, एक्स का वैल्यू कितना है माइनस थ्री आया, और वाई का वैल्यू कितना आया चार। लिख दूँ एम कितना एक है ना, एक्स कितना माइनस थ्री है ना, माइनस थ्री प्लस सी कितना है चार है, यही होगा इसलिए नहीं क्वेश्चन वाई पर टू। और वैल्यू कोई पूछता क्या पूछता, वैल्यू पूछता क्या हो जाता प्लस वन आया था वाई का वैल्यू, है कि नहीं है माइनस थ्री है ना, प्लस चार, प्लस चार माइनस थ्री करूँगा तो प्लस वन होगा ना, आया कि नहीं समझ में। हाँ मैं वो भी कराऊंगा, इट्स क्लियर हुआ कि नहीं हुआ है ना, रिविजन नहीं करो बड़का दिक्कत है, सही बता कितना भी अच्छा पढ़ा दूँ नहीं रिविजन करो पीछे का भूल रहेगा, फिर ये कहाँ से आएगा समझ में। आगे बताओ ए पापा, तू नीट नोट नहीं कर रहा, सब दिमाग में नोट हो रहा है ना, कितना अच्छा मैं पढ़ाता हूँ, वेरी गुड। तुम्हें लोग ऐसा मेरा छात्र तो नाम करेगा, मेरा प्यारा सा नाना सा मुन्ना सा बबुआ। आगे चलो मैं, ओपो पापा सा मामी ओपन कंट्री, आगे चलो मैं, यहाँ तक हो गया तो इसको दिक्कत है क्या रे, नहीं ना भाई इसको डोमर आया था ना भैया से, हाँ प्लस प्लस वन। अभी मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, फाइन देखता हूँ कौन सॉल्व कर पाते, फाइन द वैल्यू ऑफ वाई वेयर वेन एक्स इक्वल टू ए। मैं सबसे उम्मीद करता हूँ सॉल्व कर, ये ग्राफ ये 20 मैंने दे रखा है, ये मैंने अल्फा दे रखा है, ये मैंने थीटा दे रखा है। चलो बताओ एक अच्छा क्वेश्चन, 20 है 20 है 20 20 ये 20 है, ये 4 चल बता बता जल्दी से बता जल्दी से बता, लेट मत कर। थीटा कितना अल्फा,
हो गया सॉरी क्या हुआ सबको फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x क्या होगा ये तो इस्टर लाइन है कि नहीं इस्टर लाइन बना है ना तो इक्वेशन y क्या होता है एम एक्स प्लस सी x का वैल्यू कब क्या बोला है आठ होगा ना जब आठ होगा तब y का वैल्यू बताओ बोल दिया ना क्वेश्चन में भाई हाँ। जब नहीं बोलते तो x को जीरो लेते हैं पर फिर क्या बोला है क्वेश्चन में दो तरीका बताओ चलो थीटा से मतलब 90 से बड़ा तो माइनस हो गया वैल्यू क्या होगा चलो इसको ये मेरा ग्राफ गंदा नहीं कहा बोलो क्या बोला बोलो बोलो y इक्वल टू 0 कर देंगे तो x का बोलो बोलो जो समझ में समझ नहीं पाया क्या बोल रहे हो हाँ कर सकते हो ऑब्वियसली कर सकते हो x को निकाल लगा दो कितना होता है y को जीरो ले लेंगे तो x को निकाल लगा दो वहां से तो आपको क्या y को जीरो ले ले वो m पता है आपको भाई मैं x का वैल्यू मैंने दे रखा है मैं y का पूछा हूं x का वैल्यू दिया हुआ है x दिया हुआ c दिया हुआ बस m चाहिए m का चाहिए तो y का आंसर क्या हो जाएगा आ जाएगा y m का मतलब क्या है स्लोप है ना m का मतलब क्या है इसको मैं इधर निकाला इधर कर रहा हूं ठीक है m का मतलब क्या है स्लोप है ना tan थीटा हां हां वेरी गुड और क्या बोलना है मसा tan थीटा क्या बोलना है tan थीटा थीटा यहां पर कितना थीटा है ना थीटा यहां पर थीटा है ना मतलब tan थीटा हमको क्या करना है फाइंड करना है थीटा दे रखा है ना क्वेश्चन में अल्फा ही दे रखा है ना इसको दिक्कत है कुछ नहीं ना कुछ सुनना था बताओ एक बार कोशिश कर लिए कोई थीटा निकाल सकते हो ऐसे ही बस बोल रहे हो कि मत कुछ निकाल सकते हो ऐसे बोल रहे हो ये जो थीटा है टॉम भैया जो थीटा है ये टोटल क्या 180 होगा ना तो 180 माइनस अल्फा तब ना थीटा का वैल्यू आएगा भाई ये टोटल कितना वैल्यू है 180 में अल्फा घटा दो क्या थीटा बचेगा ना मैं ये बोल रहा हूँ ऐसे है ठीक है ये टोटल 180 ही होगा ना कितना होगा 180 में अल्फा घटा दो थीटा नहीं आएगा ये आएगा नहीं भाई छोटा चीजें नहीं सब नहीं आएगा आएगा ना तो थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ थीटा को ये टोटल माइनस 180 है 180 माइनस अल्फा माइनस अल्फा क्या होगा थीटा ही होगा ना क्या होगा थीटा होगा अगर टैन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ 180 माइनस अल्फा क्या लिख सकता हूँ 180 माइनस अल्फा दिक्कत है किसी को थोड़ा सा भी नहीं ना टैन 80 वाला का मान क्या होगा इस स्लोप फिर भी हमको चेंज नहीं होगा इसमें फिर भी तो हमको चाहिए फिर भी एम चाहिए एम कैसे आएगा tan थीटा का मतलब क्या होता है y by x होता नहीं बताया हमको हां y by x y मैंने तो 20 दे रखा है x 4 है तो 20/4 कितना हो जाएगा 5 इधर करके कोई फायदा नहीं अरे भाई इधर करूं अभी दिखा रहा हूं ना इसलिए वहां पे कुछ रेडी रखा हूं मैं भाई वहां भी कुछ रेडी रखा क्या बोले भैया हम उस टाइम बोले थे कि 20/4 हां कॉन्फिडेंट होना चाहिए ना m बराबर माइनस 5 लगा तो फिर भी मुझे ये थीटा चाहिए m बराबर y by x हाँ y by x सिंपल सा माइनस 5 आया ना y by x माइनस 5 आया ये अभी हम माइनस 5 लिख देता हूँ इसे माइनस 5 कैसे y बराबर m बराबर क्या होता है फॉर्मूला भी माइनस y by x कौन बताया माइनस इसे वो थीटा से ज्यादा है 90 से ज्यादा है इसीलिए लिखा हूँ 90 से ज्यादा है आए तो समझ में tan 180 माइनस ये चेंज हुआ क्या फंक्शन नहीं होगा ना tan का tan रह जाएगा कौन सा क्वाड्रेंट में है सेकंड में है ना सर नेगेटिव रह जाएगा नेगेटिव पर क्या माइनस 5 माइनस माइनस कर दिया तो बताओ tan थीटा बराबर कितना आया tan अल्फा बराबर कितना आया 5 है ना क्या अरे भाई इधर भी नेगेटिव था इधर भी नेगेटिव लिया था ना मैं क्या हो जाएगा tan अल्फा कितना हो 5 tan अल्फा कितना हुआ 5 अल्फा की मैं थीटा ले लिया था इसको अल्फा लिया हूं ना कहाँ
माइनस माइनस मैंने काट दिया अल्फा लिखना भूल गया मतलब टेन अल्फा यहाँ ऊपर 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 में ऊपर में जस्ट उसके ऊपर में ये वही टेन अल्फा हो गया तो भाई किसको कुछ समझ आया अब बता बस सुना ध्यान से सुनना एकदम कितना मजा आएगा एकदम ध्यान सुनना सुनना एकदम बहुत अच्छा लगेगा क्वेश्चन नंबर ये 3/4 है ठीक है आप टेन थीटा ये अल्फा दिया सुना ये क्या दिया हूँ अल्फा पास हो जाएगा आपका बोलू जी ये देखना कैसा डाउट क्लियर होगा ये वाला ये थीटा है ये 4 है ये और 3 है ठीक है ये मैं लिखवाऊंगा टेन अल्फा इसका टेन अल्फा का वैल्यू बताओ कितना होगा 3/4 है ना इसका टेन अल्फा का वैल्यू बताओ 3/4 भाई कहाँ से हो जाएगा मैंने थीटा दे रखी है मैंने थीटा दे रखी है अल्फा कहाँ दिया मैंने मैंने अल्फा दिया क्या अल्फा बोला हूँ मैं थीटा दिया हूँ और मैंने बोला यहाँ क्या लिया 180 अल्फा और टेन थीटा कहाँ से निकला मैं अगर 20/4 लिया हूँ तो ये ट्रायंगल लिया हूँ ना मैं तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना था टेन अल्फा गलत से सही की ओर से कुछ समझ में क्या बोला है ना तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये थीटा होगा आए इसको क्या करो साइड रखो ये पे आओ है ना इसको क्या करो साइड हटाओ भाई ये मैं सिखाऊ है ना जिसको तरीका जाना तरीका भी बता दिया कहाँ देखना है ये देखना है जो सबसे सिंपल सीधा है भाई मजदूरी नहीं करना मजदूरी नहीं करना वो सिंपल सा पता कि 90 ज्यादा माइनस होगा कि नहीं होगा क्या होगा माइनस होगा ना अब ठीक है और हमको पता है 10 थीटा बराबर क्या होता है 16/10 थीटा P/B आंसर तो क्या माइनस फाइव डायरेक्ट यहीं से क्यों जाओ ज्यादा तो भाई का फॉर्मूला क्या होता है माइनस 5 यहाँ लिख दूं मैं पनिया क्या हो जाएगा 65 40+20 आंसर -20 तुरंत आंसर आएगा इधर से करना जाओ क्या होगा दिमाग का कचरा दिमाग क्या होगा कचरा भाई ये बेस्ट है ना क्या बोलता हूँ भाई नहीं आया समझ में इधर करेंगे क्या नहीं करो सब ये ऐसा आएगा आंसर ठीक है इसको मैं फिर से कर रहा हूँ बस थोड़ा सा होता है ना थोड़ा सा पहले परेशान करो फिर बताओ तब अच्छा लगता है जिसको बुराई का पता नहीं अच्छा का काम आ जाए जोर समझ में आ गया है ना हाँ वही तो है जो कभी खराब खाना नहीं खाया अच्छा खाना उसको कहाँ से पता चलेगा जो कभी खराब पड़ेगा तो अच्छा पड़ेगा कहाँ से पता चलेगा है ना चलो क्या बताऊँ भैया ये सब था कि नहीं था ये क्या था अल्फा लिया था मैंने ये थीटा लिया था ये 20 था ये 4 था मैं अब एक लाइन में आंसर निकालूंगा मुझे लिखना है स्टेफानी की क्वेश्चन क्या लिखना है अब ये मैं करूँ क्या टेन अल्फा थीटा माइनस क्या क्या करूंगा है ना नहीं भाई सिंपल शाम दंड जो अपनाना पड़े वो अपना है ना ये ठीक है मैं सीख लूंगा बात भाई मैंने जो आसानी से बन रहा है ये बनाओ ना अगर ये बना 2023 की जगह पर कितना हो जाएगा नीट 2029 कौन कौन जाना 2029 में उसको ये सिखाऊं मैं नहीं ना ये बेस्ट है क्या है बेस्ट आज समझ में जी भैया स्लोप का मतलब टेन थीटा टेन का मतलब वाई बाय एक्स वाई बाय एक्स पॉजिटिव नेगेटिव देखेंगे 90 कम है क्या होगा पॉजिटिव 90 ज्यादा क्या होगा नेगेटिव ठीक है कोई दिक्कत चलो इसका बता ये 20 ये नहीं सुनना ध्यान से बताना फाइंड वैल्यू ऑफ पाई
व्हेन x इक्वल टू 5 चल बता क्या होगा ये स्ट्रेट लाइन है या नहीं है हां स्ट्रेट लाइन है ना तो मैं क्या लिखूंगा y इक्वल टू mx प्लस c लिखूंगा है कि नहीं है x का वैल्यू जब 5 होगा तब मुझे क्या निकालना है y निकालना है ना तो x का वैल्यू कितना 5 दे रखा हूं ना c का वैल्यू कितना दिया मैंने 20 दे रखा है देखो यहां से यहां तक मैंने 5 प्लस 20 आप गलत बोल रहे हो डोकला सिंह अभी ये जेरी भाई सही बोल रहे जेरी भाई बोलो बोल भाई जेरी भाई एम का वैल्यू कितना होगा एम का वैल्यू बताओ 20 बटे 4 5 अब 20 बटे 5 ठीक है 20 बटे 4 5 हां अब पॉजिटिव कितना है टीम 90 कम है ना हां क्या होगा इतना पॉजिटिव हो जाएगा है ना आंसर कितना हो जाएगा 5 15 पे तक एकदम सही बना जेरी भाई तो छोड़ो उस बात छोड़ मैं सब कुछ बोला क्या मैं नहीं बोला ना 45 डिग्री पे तो हाफ डिग्री क्वेश्चन दिया मतलब बता के दिखा फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x क्या है 5 है था कि नहीं है तब x क्या है 5 इसका वैल्यू पूछा मैंने आई तो सोचो y इसमें कहीं दिख भी रहा है क्या आप लोग को नहीं हां y का वैल्यू तो 0 है इंटरसेक्ट भी 0 है हां सही है भी क्या ये चीज 20 क्या है क्या बोले 20 मैंने बस इधर दिखा रखा है हाथी के दांत दिखाने के कुछ और दिखाने के कुछ बस दिखा रखा भाई ये जो लाइन है कहीं वाई को क्रॉस किया है क्या कहीं भी कहीं नहीं कहीं क्रॉस कहां से वाई का वैल्यू मैंने निकाला ये मैं निकाल सकता हूं ना ये लॉजिक वाला है लेकिन फिर भी तो निकाल सकता हूं मैं क्या बोला क्वेश्चन फाइंड द वैल्यू वाई व्हेन एक्स इक्वल टू 5 वाई का क्या होता है mx + c c का वैल्यू क्या है 0 c तो कहीं है नहीं 0 x का वैल्यू क्या है x का वैल्यू 5 स्लोप का मतलब y / x होता है ना x में इधर कितना है 0 4 है ना रे ये अगर ले रहा हूं 4 है और y में ये कितना है 20 है ना तो मैं बोलूंगा तो m का मतलब tan थीटा tan थीटा का मतलब y / x स्लोप तो आ गया 20 / 4 मतलब 5 आ गया है ना 25 y / x ना हां y / x अच्छा समझ गया है ना इंटरसेप्ट 0 है मैंने तो वैल्यू पूछ रखा था बस सिंपल सा इसे बस हम एम निकाल सकते हैं कांसेप्ट पिछला क्वेश्चन से लड़ गया समझे नहीं वो चीज क्यों दो फिर से मैं तो हर बार कुछ ना कुछ नया ही सिखाऊंगा एनसीईआरटी आई कैन नॉट समझ में आए तो मजा इस चीज में एंड द वाई का वैल्यू क्या है 0 फिर मैंने वाई का वैल्यू पूछ रखा है भाई वाई इंटरसेप्ट का वैल्यू चाहिए पर वाई तो कुछ होगा ना वाई का फार्मूला क्या होता है वाई इक्वल टू एमएक्स प्लस सी सी 0 तो उससे क्या हुआ एक्स का वैल्यू मैंने जो 5 देखा स्लोप तो निकल जाएगा ये 20 क्या हो जाएगा 20 बटे 4 एम का वैल्यू क्या लिखे भाई y बटे x होता है y 20 है और x इतना 4 है ना मैं यहाँ बोल रहा हूँ ये कोई ये वैल्यू छोड़ मैं यहाँ लिख दूँ मैं गलती से लिख दिया 8 कोई दिक्कत नहीं ना पर यहाँ कॉन्सेप्ट सही सिखा रहा ना ये 5 है क्या है 5 20 बटे 4 y में कितना 20 है x में कितना है 4 y तो स्लोप होगा आया कि नहीं समझ में एकदम क्लियर तो भाई कुछ भी क्वेश्चन दे यहाँ पर तो निकल रहे गलत क्वेश्चन रहे आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो उसको और वैल्यू पूछे तो भाई कैसे बस स्लोप से मतलब है कैसा मतलब है स्लोप से सी का वैल्यू है जरूरत को दिक्कत नहीं है आगे समझ में आगे बढ़ो क्या टॉम भाई आंसर नहीं आ रहे हैं क्या समझ में नहीं आए क्या आगे बढ़ो तुम्हें चलो एंड गेम ऑफ ग्राफ खेलना है पार्शियल एंड गेम ऑफ ग्राफ ठीक है ड्रॉ द ग्राफ ड्रॉ द ग्राफ पी वर्सेस वी वेयर देखो गाथा बहुत है कहानी कर्म छोटा है गाथा बहुत है कार्य छोटा है तो क्लास में सही बोल रहे थे आप सी का वैल्यू क्या था वहां 0 था वेरी गुड वेयर क्या है मास इज कांस्टेंट वेयर मास इज कांस्टेंट भाई दोनों वेरिएबल होगा तो उसका ग्राफ नहीं बनाएंगे नहीं बनते भी ये कोया होना चाहिए कांस्टेंट एम क्या है कौन से गाथा बहुत है क्या सो भाई गाथा बहुत है पर कार्य बहुत छोटा है ड्रॉ द ग्राफ बी वर्सेस बी वेयर एम इज कॉन्स्टेंट एम क्या है कॉन्स्टेंट भाई कॉन्स्टेंट छोड़ो तो क्या बना रहा है ग्राफ इक्वल टू बी का भाई नहीं बनेंगे क्या नहीं बनेंगे डायर बन जाएंगे ना इसे बी वर्सेस बी का नहीं खत्म अभी तो बता था वाई टू एक्स पता लग रहा है ना एम एक्स प्लस सी हाँ 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 वेरी गुड हाँ हाँ सही 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 सही
पीक वर्ड टू एम बी प्लस सी और सी यहाँ क्या कुछ नहीं जीरो है तो सिंपल सा कैसा बनेगा ऐसा बनेगा ना। अरे वाह ढोकला सी बहुत बढ़िया कौन सा पकड़ रहे हो वेरी गुड आया कि नहीं समझ में ठीक है आगे बढ़ू चलो अब देखो ग्राफ से ग्राफ ड्रॉ कराऊंगा लगभग चीज़ें सीखे ना और एक दूसरे पता चलता है हालांकि मैंने बता चुका है पहले एक बार बोल रहा था आगे बताया चल एस इक्वल टू यू टी वेयर टी इज कॉन्स्टेंट टाइम है पर क्या है कॉन्स्टेंट पता इसका ग्राफ कैसा होगा ये क्या है कॉन्स्टेंट तो क्या बन गया सिंपल सवाल बन गया एक्स इक्वल बन गया सिंपल हां एकदम स्ट्रेट लाइन अब हल हो रहे हैं तो ग्राफ तो दिक्कत एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बताऊंगा बताऊं तो सुनना इफ पहले दो क्वेश्चन बनाऊंगा क्वेश्चन बना के मुझे सभी को एक इसका ग्राफ बना के देखा जिसको क्वेश्चन मोड सारे चाहिए वो कमेंट करे है ना कॉन्टेक्ट करे जो चीज़ जो टॉपिक लग रहा है टफ अगर दूसरा टॉपिक पढ़ रहे हो बस एक बार कॉन्टेक्ट करो कॉमेंट में देखो उसका टॉपिक का कैसे मैं हलवा बनाता हूँ फिर पर उसके बैठे साथ में खाएंगे तो मैंने तो बताया था एक तो वेरिएबल होना चाहिए भाई वाई इंटू एक्स होना ही चाहिए मस्ट है एक्स तो है ना एम एम और एक्स तीन है ना एक्स तीन है बताना आप लोग नहीं एक्स इतना मैं गारंटी देता हूँ ये तीन नहीं ये एक्स नहीं है जब हाँ क्या होगा भाई मैं एक्स को एम नहीं मान सकता क्या मान सकता हूँ ना मैं कुछ भी तो ले सकता हूँ y इक्वल टू क्या होता है एम एक्स प्लस सी होता है ना मैं एक क्वेश्चन क्या दिया y इक्वल टू एम टू प्लस बीस भाई बस नाम बदल दिया x जो है वो m है और जो दो है वो कॉन्स्टेंट रहेगा ना m हमेशा क्या है कॉन्स्टेंट स्लोप होता है क्या होता है स्लोप यहाँ पर स्लोप मैंने m का वैल्यू दो दे रखा है और जो x है वो x क्या है वो m है अपने मनगढ़ंत एक होता है ना पता चलेगा ये चेक करने के लिए आए को समझ मैंने क्या बोला ये जो कॉन्स्टेंट वो हमेशा स्लोप होगा स्लोप के बाद जो वो हमेशा एक्स होगा जब मैं नाम कुछ भी रख दूँ नाम में कुछ भी रख दूँ जल्दी बस बता देते हैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी बस इसका नहीं इतना कर मिला ये भी सोलह क्वेश्चन है ना एम के बाद मैं एक्स को क्या बोल दिया हूँ एम बोल दिया हूँ और जो क्वेश्चन है वो क्या है स्लोप है आया समझ में कुछ भी मान सकते हैं हाँ भाई जो क्वेश्चन है बस इतना याद रखो जो क्वेश्चन है वो स्लोप है जो वेरिएबल वो क्या है एक्स है एफ एस एस वाला आया तो मजा नहीं आया रे आ गया है ना चलो होमवर्क भाई बस बनाना और सीखना नहीं दिमाग भी लगाना है वहाँ पे 10 क्वेश्चन एक लिस्ट तो रहेंगे इसे जिसमें दिमाग लगाना है 180 में आई सुनो मैं अब मैं एक लाइन लिख रहा हूँ ध्यान से वो इफ तो फिर इसका आप लोग ना टाइम वेस्ट मत करो केवल प्रैक्टिस हो जाएगा वाई इक्वल टू एक्स वाई इक्वल टू माइनस एक्स वाई बाय टू बन गए इफ टू स्ट्रेट लाइन इफ टू स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू ईच अदर परपेंडिकुलर टू ईच अदर इफ टू स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन प्रूव दैट product of their slope is equals to product of their slope dekhta hu kaun kar paata is minus 1 chalo bata kaun proof hai copy dikhao
क्वेश्चन से समझ लो अच्छे से, देख लो, है ना। If two straight line perpendicular to each other, then prove that product of their slope is minus one. ये कैसा ग्राफ बना लो, है ना। बोल रहा है कि एक ये स्ट्रेट लाइन है, एक ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये दोनों एक दूसरे का क्या है, परपेंडिकुलर। इफ टू स्ट्रेट लाइन, ये भी तो स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, अब बोल रहे कि दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे का क्या, देखो मैं बना दिया ना कि परपेंडिकुलर है, इसका जो स्लोप होगा ना, इसका जो स्लोप का प्रोडक्ट होगा, इसका जो स्लोप है, इसका जो भी स्लोप होगा, दोनों का मल्टीप्लाई करने वाला आंसर क्या आएगा, माइनस वन आएगा। एक मिनट दिया मैंने, अगर कोशिश कर लो, लेट मत कर, हो जाएंगे तो चोची भाई, कोशिश करो, कोशिश करो, जरूर है, वो जरूर होगा, है ना, कोशिश करो, कोशिश करो। सही में बात बताऊं, सरना कहानी पे मर जाओ, क्या बोला, इसका स्लोप उसका स्लोप को गुना करना है, सिंपल सा है कि नहीं, क्या निकालना है, m1 गुना m2 ना इक्वल टू कितना लाना, माइनस वन ही लाना है, m1 m2 पता कर लो, m1 इसका कितना होगा, कुछ सोचो, कुछ दिया, कुछ मैथमेटिक्स थोड़ा सा लगाओ, थोड़ा सा लगाओ, या थोड़ा सा मैथमेटिक्स, पर ये कितना होगा, इसको दूसरा एंगल मान लेता हूँ, तीनों को मिला करके 180, अंदर वाला मतलब तीनों को मिला 180 होता है, तीनों को मिला कितना होता है, अंदर वाला 180, पर ये यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, या थीटा लिखूंगा, फिर दूसरा एंगल लिखूंगा, वहाँ पे 180 माइनस थीटा, इसको अगर मैं अल्फा लूंगा, 180 माइनस अल्फा, क्या बोल रहे हो, इसको अल्फा लीजिएगा तो 180 माइनस अल्फा, किसको, ये वाला 180 माइनस अल्फा बोल रहे हो, है ना, आप 180 माइनस अल्फा बोल रहे हो, करो कॉपी में देखो आंसर आता है क्या, आता है थीटा से, तो आप थीटा लेंगे, यहाँ पे थीटा ले लेंगे, चलो ऑप्शन देता हूँ भाई, तो बाहर में ना, ये बाहर में अल्फा है ना, ये क्या होगा, 90 प्लस थीटा होगा, कि 90 माइनस अल्फा होगा, 90 माइनस अल्फा, और या फिर अरे तीसरा भी तो मस्त ऑप्शन लग रहा है, 180 माइनस अल्फा, तीसरा नंबर निकालेंगे, अल्फा निकालेंगे, यहाँ ये वैल्यू निकालेंगे, ये वाले मान लेते थीटा टू है, थीटा टू निकालेंगे भाई, अगर ये सब नहीं आएंगे तो सोना आज प्रूफ करेंगे, इसको तो बाद में प्रूफ करना, पहले कितना पहले कर लेंगे, कितना होगा, 180 माइनस क्या बोले, कोई तभी सुधर भी 180 माइनस अल्फा, है कुछ कॉपी करके देख देख के कैसे कर सकते हैं, आपको तो कलम पर चलाए प्लीज, आप कर लो, मैं देख लूँगा, आप कर लो, नहीं मैं तो यही दे रखा हूँ और वही दे रखा हूँ, कुछ करके थीटा टू का मैं पूछ रहा हूँ, थीटा टू इक्वल टू क्या होगा, कुछ है ना, थीटा टू इक्वल टू क्या होगा, देखो तो इतना आ रहा है, करके देखो, मैंने पूरा मैथमेटिक्स लगभग ऐसा बता रखा है, थोड़ा थोड़ा कुछ करके देखो, इन्होंने मुझसे ऐसे ही बोल दिया था, सही बता रहे, सही बता रहे, उसमें दिखा, थोड़ा सा मैंने टाइम दिया,
ज़्यादा हद तक सही गए हैं, है ना, कुछ हद तक सही गए हैं आप लोग। मुझे पता चला लेक्चर रिवाइज नहीं किया, ये होमवर्क में मैं डाल दूँगा। हाँ मैं होमवर्क में डाल दूँगा ये चीज़ कि भाई मैं ये अलग क्वेश्चन एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिया है आपको, यही अगर एंगल में दिक्कत है ये एंगल में, तो भाई ये कहाँ से करोगे, अगर ये कहाँ से करोगे, एम वन इंटू एम टू कहाँ से करोगे। एम वन का मतलब होता है ये, अगर एम वन इसको मैं पहला लाइन बोल रहा हूँ, पहला तो क्या लगेगा टेंथ का है कि नहीं है, फिर M2 बोल रहा हूँ, M2 क्या होगा इसका जो थीटा, ये कहाँ से लेंगे इसका, ये लेंगे ना टेन अल्फा है ना, थीटा मैंने थीटा रखा है ना, हाँ अल्फा का बताओ क्या हो जाएगा, थीटा टू का बोले थे ना, हाँ बाबा बेटा, तो थीटा टू का हम 90 माइनस अल्फा निकाले, 90 माइनस अल्फा, तो अल्फा का क्या हो जाएगा, अल्फा का हो जाएगा अगर ये पूरा 180 होता है ना, हाँ तो इसका हम निकाल के रखे हैं। चलो सही 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 बोल रहे हो, 180 माइनस क्या बोल रहे हो बताओ, थीटा इज इक्वल टू अल्फा हो जाएगा, 180 माइनस 90 माइनस अल्फा, 90 माइनस अल्फा बोल रहे हो ना, 180 इज इक्वल टू 180 बोल रहे हो ना, थीटा इज इक्वल टू अल्फा अल्फा हो जाएगा, तो अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 180 से 180 कट गया, वो तो बोले कुछ थोड़ा सा मिस्टेक करो, कुछ सही जा रहा है, ट्राई करो एक अच्छा क्वेश्चन भाई, अगर यही अल्फा ये नहीं निकाल पाओ तो ये दिक्कत हो जाएगी, इसको मतलब चुटकियों में कर सकता हूं, ऐसा करूंगा मजा आ जाएगा, पर मैं करना नहीं चाहता, आप लोग नहीं करोगे तो मैं रिवाइज नहीं करूंगा, कहाँ से होगा, थीटा इज इक्वल टू अल्फा हो जाएगा, ऐसा होता था आंसर नहीं होगा ना, थीटा इज इक्वल टू अल्फा हो जाएगा, हमको नहीं पता इसे प्रूव करना है ना, एम वन का वैल्यू क्या हो जाएगा टेन थीटा ना, तो ये भी बोल रहे हैं आप वही हो जाएगा टेन अल्फा, तो क्या हुआ थीटा माइनस अल्फा करके देखो आंसर आ रहा है क्या माइनस वन, मैं तो कंफ्यूजन करूँ, नहीं रिवाइज करो करो होमवर्क में जाएंगे, एक बार ट्राई करो बोलो पहले के लिए, हाँ ये अरे अगर यही और यही नहीं आ रहा इसको कहाँ से प्रूव करोगे, यही दोनों थीटा का कंफ्यूजन हो इसमें, और इसमें तो दे रहा हूँ इसीलिए तो दे रहा हूँ, हालांकि मेहनत करो पर ऐसा तरीका फिर अच्छा बताऊँ कि एक बार नहीं समझ जाएगा, पर मैं ही बता रहा हूँ ठीक कर, रिवीजन क्यों नहीं किया, मैं पहले देर बोला था लेक्चर नंबर फोर सब देख के बैठना, कुछ तो दिमाग लगाते है ना, कुछ भोले भाई तरह कुछ सही आ रहा था पर कहाँ फंसे पता नहीं, वेरी गुड है ना, सही आ रहे थे आपके रोहित जी, है ना, ये अच्छा क्वेश्चन देखता हूँ फोन करके आप आते हैं ठीक है, आपका हाँ आप भी सही जा रहे थे पर लास्ट पॉइंट में कुछ गलती कर रहे हो, रिवाइज नहीं क्यों, मैं बस जो पढ़ाएं वही सब आप लोग याद रखते हो बस, और कुछ नहीं, अगर वो याद रहा था ना तो अच्छे से बताते आंसर बहुत अच्छे से बताते हैं, और अच्छा क्वेश्चन फील अभी अच्छा लगता है कि दोनों का प्रोडक्ट में कैसे निकाल दिया माइनस वन निकाला, क्योंकि रिवाइज नहीं किए हो कल टेस्ट में कुछ मार्क्स कर रहे बस इसी से, मैं क्योंकि आप लोगों रिवाइज नहीं किए है ना। चलो मैं आप दूसरा चीज शुरू करूँगा, ये ग्राफ का रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या शुरू करूँगा, उधर इतने सारे थे ना लगभग मैंने क्या कर दिए खत्म कर दिए भाई, अब देखो मैं महारत हासिल कराऊंगा इसमें, रेक्टेंगुलर मतलब ग्राफ समझ, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एक भी ग्राफ इस बाहर इस तरह नहीं होने वाले हैं, मिला के उठा के देख लेना फिर से क्वेश्चन, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मैंने लगभग अगर आप सिखा चुके हैं इसलिए क्वेश्चन बता दिए है ना, और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी बता दिए, बस ब्रांडेड नाम मैंने नहीं बोला था, पता है ब्रांडेड नाम मैंने नहीं बोला था, y = 1 में x अगर आप बताए थे कि नहीं बताए थे जी, है ना, कैसा बनेगा इससे बनेगा ना, हां यही तो है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, मैंने पहले ही बता रखा है भाई, तो बोला मैं समुद्र में तैरने से पहले तालाब में तालाब का मछली को खा लेता हूं, टेस्ट करूंगा कैसा समंदर वाला, समुंदर में नहा के और भी नकली हो गए है कि नहीं आए, तो पहले कहां नहाएंगे, पहले मीठा होंगे तालाब में, फिर क्या होने के लिए नकली होने के लिए कहां जाएंगे, समुंदर जाएंगे, मैंने मीठा बनाया था आप नमकीन टेस्ट करो, आज किए ना टेस्ट Me2M2 मजा आया, तो रिजल्ट नहीं करोगे तो ऐसा ही परिणाम आएंगे, चलो यही क्या है इनवर्स रिलेशन को बोलते हैं, एकदम आसान है हलवाई से, पता नहीं कितना ब्रांडेड नाम सब है, ये इनवर्स रिलेशन है, कैसा रिलेशन है, इनवर्स क्या, इनवर्स रिलेशन, कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन, मैं बोलूंगा वाई इक्वल टू 1/x अगर आप बना के दिखाओ क्या होगा, रेक्टेंगुलर है पर बोला y इक्वल टू मैं बोलूंगा 1/x² का बन के दिखाओ, किसका बन के दिखाओ, तो इसके बाद ये अगर 1/x था तो नीचे थोड़ा सा इसके नीचे आ जाएगा है ना, इसे क्या थोड़ा सा मैं इसको प्रूव करके दिखा, थोड़ा सा 1/2 है ठीक है, x के जगह पे मैं कितना लिया हूँ 1/2 का, कितना 0.5 होगा ना, अब मैं स्क्वायर ले रहा हूँ, कितना ले रहा हूँ स्क्वायर ले रहा हूँ ना, 2×4 हो जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा 4.025 होगा, मतलब 0.5 बड़ा 0.25 बड़ा, ये बड़ा है ना ये छोटा है ना, ये 50 हुआ ये 25 हुआ ना भाई, इससे नीचे ही आएगा ना, फील आया कि नहीं आया, 1/2 लिख रहा हूँ, और जब स्क्वायर कर दूंगा तो 1/4 होगा ना, जब करूंगा 0.50 होगा, ये करूंगा क्या होगा 0.25 होगा, ये बड़ा वैल्यू है, बड़ा वाला ऊपर रहेगा, छोटा वाला क्या होगा नीचे ही आएगा, और ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो क्या, एग्जैक्ट नहीं बोलेंगे, लाइक
रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या यह वर्ड यूज करेंगे? लाइक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ग्राफ का मतलब होता है इनवर्स रिलेशन। सपोज क्या होता है? इनवर्स रिलेशन। अगर मैं स्क्वायर कर दूंगा, क्या कर दूंगा? स्क्वायर को बोलूंगा लाइक इन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, नॉट रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। एग्जैक्ट नहीं बोले, क्या बोलेंगे? लाइक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। दिक्कत किसी को थोड़ा सा भी क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो मजा दिलाना है, बाकी सब ग्राफ पूरा पूछते हैं, है ना? हर बार देखो, हर बार वही सब चीजें पूछते हैं, पता नहीं होता, क्लियर नहीं होता, अच्छे से नहीं आंसर हो पाती। मैं तो होमवर्क में दिया हूँ, लेकिन अच्छा है रिविजन करके आए हो ना, इसी कारण ट्राई कर पा रहे हो, है ना? भोलू भाई भी ट्राई था, ये फिर बना देखो, बस क्लास से सीख गया। मैंने तो छीटा वगैरह सब दे रखा था, आप लोगों को तो प्रूफ करना, तो मैंने तो सही बात था, मेरा काम फिगर बनाना भी नहीं था। क्या चुटकी जी, मुझे फिगर भी नहीं बनाने थे, मुझे तो बस क्वेश्चन लिखने थे, आप लोग बना। मैंने बोल दिया दो स्ट्रेट लाइन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, प्रूव दैट देयर स्लोप इज माइनस वन, और मैं कुछ नहीं बोलता। मुझे पता है मेरे दिमाग में कुछ आ रहा है कि मैं ना बिना कॉपी कलम का उसको माइनस वन ला दूं, माइनस वन उसको मैंने बिना कॉपी कलम का, बताओ कैसे? एक एंगल 90 डिग्री था तो एक 45 एक 45 हो जाएगा, लेकिन दोनों बराबर थोड़ा दिया हुआ है बराबर। अरे भाई तुम लोग ही सोच रहे हो, मेरा दिमाग तो कुछ और सोच रहा है, सुनना ध्यान से, सुनो सुनो, मैं हाथ को ऐसा हालांकि अभी तक कहीं देखा भी नहीं, पर मैं कुछ बता रहा हूँ, सुनना मजा आ जाएगा। m1 m2 में कितना लाया था? माइनस वन ना, माइनस वन था। अगर मैं बोलता हूँ एक ऐसे था, क्या था? एक ऐसे था, है कि नहीं है? एक का स्लोप क्या है? पॉजिटिव। एक का स्लोप क्या है? नेगेटिव। मानता अगर 45 डिग्री वन होगा, ये कितना होगा? 137 होगा, कितना? 127 ना, कितना है बता तो भाई? 145 90 पता नहीं, 135 कितना होगा? 135 भाई, इसका भी स्लोप माइनस वन है, इसका स्लोप वन आया, कितना हो जाएगा? माइनस वन। मैं तो एक लाइन कर दिया। गलत बात ना, ये रिविजन रहता पता वहाँ पे थीटा आसानी से निकल जाता, बड़ी बात आप लोग मैथ्स वाले नहीं कर पा रहे हो, बहुत गंदा बात है ये, एकदम बहुत गंदा बात। मुझे बायो वाले से इतना दिक्कत है, पर मैथ्स वाले अगर नहीं कर पा रहे बहुत बहुत बेकार। मैं कुछ दिया ही कहा, मैं तो लाइन दिया हूँ बस, बोला क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन दिया के बोला था, वो तो मैंने अपने से लिखा था, अपने से। हाँ मैं तो अपने से दिया था, तो मेरा आ ही रहा था, माइनस वन ला रहे थे, मैं तो वही तो चेक कर रहा था, मैथ्स वाले को नहीं कर पा रहे तो गंदा बात है ये, पूरा सॉल्व नहीं किया ताकि कट जा रहा था। और रिविजन जो बोले रिविजन आपने कितना किया, मुझे तब से पता चल चुका था, ठीक है? तो रिविजन एक बार कॉपी नोट्स नहीं लिखे हो आप लोग अभी तक, कहाँ से होंगे नोट्स का कॉपी नहीं हो? मैंने पहले स्टर का जो नंबर लाया वो सब 40-40 पता चला, आप लोगों के दो बार भी नहीं लिखे हो अभी तक, कहाँ से होगा आप लोग का रिजल्ट? इनवर्स रिलेशन रखना, आप लोग क्या बोलते हैं? इनवर्स रिलेशन को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इनवर्स रिलेशन को बोलते हैं। सर बताओ यहाँ तक चार बार कोई नोट्स मेरा लिखे क्या अभी तक? में किसी ने भी चार बार लिखे क्या? दो बार आपने लिखा, आप कितने बार लिखे अभी तक? कॉपी दूसरा कॉपी छोड़ो, कितना मत बोलो, मैं जो चीज़ पूछ रहा हूँ, आपने कितना बार नोट्स लिखा मेरा रफ के बाद? एक बार भी नहीं लिखा ना अभी तक, आपने कितनी बार लिखी? बस एक बार, तब कहाँ से होगा भाई? मेरे पहले स्टूडेंट का यहाँ तक कॉपी बढ़ गया, डबल डबल बढ़ गए थे कॉपी, तब जाके उनका इतना अच्छा रैंक आया, और आप लोग लिख ही नहीं रहे हो। वो छोटा लड़का हो के आगे बढ़ रहा है, दो क्लास में होके आगे बढ़ रहा है ना, आप लोग सीनियर हो उससे, है ना? मैं नहीं बोलता आप लोग सराहना कर रहा, पर आप लोग मैं डिमोनलाइज नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ आप लोग मेहनत कहाँ कर रहे हो उसके कंपेयर में ज़्यादा। मेरे नवोदय में एक बात चलती थी कि 12th वाले हो इतने मेहनत कर रहे हैं और 10th वाले इतने को मेहनत कर, 11th वाले क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि 10th में उसको बोर्ड देना था, 11th में बोर्ड नहीं होता है, इसलिए मेहनत नहीं कर रहे थे। पर मैं उसमें से नहीं था, 10th रहे, 8th रहे, 9th रहे, 10th रहे, भाई 12th से ज़्यादा मैं पढ़ता था, 16-17 घंटा मेरा नॉर्मल चलता था पढ़ाई, है ना? आप लोग तो चार बार भी नहीं लिख पा रहे हो, मैंने तो कॉपी भरी है कि दिन में 4-5 कॉपी, है ना? तब जाकर एग्जाम पढ़ा रहा हूँ, तब रैंक लिया है मैंने, और अब बोलते हो भैया पूछिए कुछ, मैं पूछना शुरू करूँ फिर हालत ख़राब कर दूंगा मैं, ऐसे ही तो आंसर नहीं दे पाते, मेरा क्वेश्चन बनाया हुआ ही है ना, एज कम है, हाइट कम है, एक्सपीरियंस कम है, पर मेरे सीख रखे हैं बहुत ज़्यादा। चलो मैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये कंट्रोल, ये क्या है? इनवर्स रिलेशन है, क्या है? बस इनवर्स रिलेशन है। टीचर के बदौलत कभी कोई टॉप नहीं करता, मैं पास करा सकता हूँ, पर आप लोग मेहनत करें तो मैं गारंटी देता हूँ सिंगल डिजिट आ सकता है,
और से कुछ मेरा स्लिप मिस्टेक हो जाता है, मैं कभी कभी हो सकता है एक आगे तो गलत डाटा देता हूँ, पर मैंने बोला था मॉडल भी पढ़ना है ना, बोला था एनसीईआरटी भी पढ़ना है, मैं तीन तरीका बता था किसे करना है, पहले मेरा नोट्स पढ़ना है, नोट्स पढ़ना है उसको एक फेयर वे लिखना है कि नहीं है, उसके बाद जो मॉडल का क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन नंबर है ना, मैं मान लेता हूँ विच ऑफ द फ्लोइंग इज डैश, उसका आंसर लिखना है ऐसे करके ऐसे करके कुछ शॉर्ट नोट्स बन जाते, फिर मैं तीसरा बताया था कि एनसीईआरटी पूरा पढ़ रखे, इसमें कोई किया क्या जिन्होंने किया वो भी हैं अच्छे अच्छे जगह में, आप लोगों ने किया क्या? अब हम पूछते हो रिविजन क्यों, रिविजन का मतलब मेरा मतलब ये होता है मेरे को छोटा लड़का है ना, रिविजन का हमेशा ये बोलता है भैया मैंने तो रिविजन कर लिया, मार मन करता तो मारूँ एक झापड़ नहीं मारता तो छोड़ो मारना अच्छा बात नहीं है, फिर मेरा रिविजन का अर्थ होता है कम से कम चार पाँच बार लिखो है ना, आप लोग बड़े होकर नहीं समझ पा रहे हो, छोटा होकर समझ जा रहा है, रिविजन का मेरा क्या अर्थ होता है चार से पाँच बार लिखो, देख के रिविजन नहीं कराया जाता भाई, मैं बायोलॉजी वाला स्टूडेंट हूँ, साइकोलॉजी बहुत पसंद है मुझे, मैं जब पढ़ता हूँ याद करता हूँ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बस दिमाग को रख लेता है, पर जब मुझे लिखता हूँ ना रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एक एस्पेलिंग में अटक जाता हूँ, सुना तो अच्छा यहाँ पे ये होगा है ना, सिंगल डिजिट ऐसे नहीं आते है ना, मेरा केमिस्ट्री में ऑलरेडी अलग सिक्स आया तो ऐसे नहीं आया, मैं कितना मेहनत का मुझे पता है ना, और भी टीचर्स तो हैं मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले, बस समझ में कहाँ आ रहे हैं यहाँ पे आ रहे हैं ना, और आप लोग बोलते हो कि हमें से पूछो, पूछता हूँ आगे चलो मैं बहुत अच्छे से कुछ ना बोला था, कुछ बोल के मैं निकला था, अब आंसर बता इसका ग्राफ बना पाओगे, जेट यदि कॉन्स्टेंट हो जाएगा तो उसका ग्राफ ऐसे नहीं बनेगा ना, इसको जेट क्या होना चाहिए कॉन्स्टेंट होना चाहिए, क्या होना चाहिए कॉन्स्टेंट होना चाहिए, हाँ देखो पढ़ाने के लिए बहुत देर पढ़ाता पर कोई रिक्स नहीं लेता, मैं रिक्स ले रहा हूँ तो आप लोग मेरे साथ सपोर्ट नहीं कर रहे हो, सपोर्ट का मतलब क्या है कि मैं जो बोल रहा हूँ एक बार बोला, मैं जो रफ में लिखे हो एक बार है ना उसको फेयर में पहली बार लिखना है ना भाई, थोड़ा सा मेहनत लगेगा, भीड़ में रहोगे सब तो ऐसे ही करता देख के सब याद कर लेता, तो भीड़ में ही रहोगे ना, भीड़ से निकलने के लिए फेयर फेयर बनाए, तीसरा जो मॉडल को क्या किए मॉडल का जो क्वेश्चन लिखे हम क्वेश्चन जो बनाए क्वेश्चन लिखे और चार ऑप्शन नंबर जो आ सकता उसको लिखे, फिर जो था क्या किए हम एनसीईआरटी पढ़े, क्या पढ़े एनसीईआरटी पढ़े, फिर इतना करने के बाद देखो क्या होता है ना, देखना जादू होगा है ना, इतना बस करो जादू होगा, नहीं चारों चीज अप्लाई कर लो फिर देखना एक मार्क्स नहीं कटेगा, मेरा जो एक स्टूडेंट था उसका शायद ही कभी मार्क्स कटता था, आज बहुत अच्छे जगह में है ना, वो कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिला हुआ है ना, ऐसा ऐसा ब्रांच नहीं मिला हुआ कंप्यूटर साइंस ब्रांच है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रफ फेयर मॉडर्न, ये एक मॉड्यूल का क्वेश्चन क्वेश्चन को राइट करके प्लस क्या बोलेंगे एनसीईआरटी करोगे तभी होगा, ये नहीं करोगे खाली ये करके देख लिया फिर तो छोड़ दो है ना, पास करना उसका क्या होगा क्वालिफाई कर जाओगे और कुछ नहीं होगा, और सब ऐसे ही कर रहे हो, मैं नाम बस रख दिया हूँ सिंगल डिजिट ग्रुप का, पर मेहनत देश तो सारे हो पर मेहनत किसी का नहीं दिख रहा मुझे, एक दो का बस थोड़ा सा दिख रहा है, बस थोड़ा सा ज़्यादा नहीं दिख रहा मुझे भाई, नवोदय में प्लेट लेके खाने जाते था ना, ट्वेल्थ में प्लेट ले लेते थे खड़े खड़े खाते थे, खड़े खड़े जाके धो लेते थे प्लेट की, उसमें भी दो तीन मिनट में आप लोग को देखता हूँ तो आराम फरमा के पढ़ते हो, ऐसे थोड़ी होता है ना, पढ़ाई थोड़ा सा जमाने में बोला रात का जो नींद गवाया पढ़ के है ना, पेट का जो भूख का जलन होता है इसको कौन सा रागनी बोलते हैं, अग्नि ज्वार रागनी का कुछ बोलते हैं ना, वो अग्नि को जो सहा वो सब जाकर रिजल्ट बनेगा ना, आराम फरमा के जो कम्फर्ट जोन में रह के पड़ेगा सब क्या खाक रिजल्ट होने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं 18 19 20 लाख बच्चे हैं, 20 लाख बच्चे में बस 33 का सिलेक्शन होगी, कौन सा ब्रांच मिलेगा पता नहीं है ना भाई, किसी को तो ज़्यादातर मिल जाता है क्या बोलते हैं मैकेनिकल वगैरह मिल जाते हैं और कुछ सपना तो रखते हैं सब कंप्यूटर साइंस के, लास्ट में बोलता है कुछ को मिल जाए भाई, लास्ट में तो वो नहीं होता, लास्ट में क्या सोचने लगता है भाई बस क्वालिफाई कर जाए ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज में, बस इतना हद तक आया था सोचता है कंप्यूटर साइंस, लास्ट में पूछता छोड़ो कंप्यूटर कुछ तो ब्रांच मिलेगा, लास्ट में बोलता भाई जी में पॉजिटिव नंबर तो नहीं आऊँगा मतलब नेगेटिव मार्क्स तो नहीं आएंगे मेरे, ऐसे हालत हो जाते हैं जो लड़के नहीं बात मानते हैं ना, मेरा बात अभी भले बुरा लगे अभी संभल जाओगे तो टाइम है, अभी सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर चार मंथ है, चार मंथ में बहुत कुछ खेला हो सकता है मेरा अगर तरीका मानोगे, और ये फर्स्ट टाइम अप्लाई नहीं कर रहा मैं बहुत स्टूडेंट पर अप्लाई कर चुका हूँ है ना, याद रखना मेरी इन बातों को जो समझे, देख 2023 में तो मैं अनाउंस करूंगा ही चैनल पर, किसका किसका होगा सिंपल सा मुझे पता चल रहा है कौन किसका होगा और किसका नहीं होगा,
है ना, फिर मैं बोला सबका कराऊंगा, पर आप लोग इस लेवल का कर ही नहीं रहे। और देखे थे ना प्रीवियस ईयर बना रहे थे जेई का, बना था कि नहीं, सब एडवांस का मैंने 4-5 दिए थे, तुरंत बन गए थे सारे क्वेश्चंस। आ गया हूँ मैं, क्या बोले जेरी भाई, जेड बाई एक्स है तो इसका ग्राफ कब बनाऊंगा, कैसे बनेगा, ये दोनों वेरिएबल का होगा क्या, क्या होना, एक को क्या लेना पड़ेगा कॉन्स्टेंट, ये क्या दोनों से कोई एक तो कॉन्स्टेंट होना चाहिए है कि नहीं है, दो में से क्या होना चाहिए, एक पहले मैं जेड कॉन्स्टेंट ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ, जेड कॉन्स्टेंट ले रहा हूँ, बोलूंगा ये है ये है और ये है, ये इसका मतलब क्या होगा, 1/x इसका मतलब क्या होगा, 1/x2 इसका मतलब क्या होगा, 1/x3 1/x3 कोई दिक्कत है नहीं ना, एक दीदी की है ना इससे वो झारखंड से टॉप की थी, उनका रैंक अच्छा खासा आया था, बोर्ड में टॉप की थी वो, पता 19-20 घंटा पढ़ती थी, सोती थी मुश्किल से 3-3.5 घंटा, और लग मान के चलो 20 घंटा एटलीस्ट पढ़ लेती 19-20 घंटा है ना, भले उनसे ज़्यादा नंबर मिला है, हालांकि उक्टोबर बाय में 100 में 100 है, बस मेरा बाय में 100 में 100 नहीं है ना, हुआ क्या मैं बताया ना, जो अभी ऐसे जेरी भाई करता है कुछ सोचाना समझा आंसर दे दिया, मेरा उस तरह गलती नहीं होता, मेरा गलती है मैं आंसर कभी किए नहीं है 11th में, होता क्या था मैं जब फास्ट लिखने चला जल्दी फास्ट वाले कर पूरा फास्ट कर देता, अब कुछ लाइन ऐसे लिख दिया ऐसे, क्या टीचर समझेगा इसको है ना, काटे करेगा मार्क्स, यही सब बोलते सब सुधारो, पर मैंने नहीं सुधारा, मैं अपने आप में बहुत वो समझ रहा था, क्योंकि मैं सर को भी 3-4 जगह कॉन्सर करता सर ये चीज़ गलत है सर, तो सर को खराब लगता था और सच में सर गलत खराब था है ना, बायो में से तो मेरा कितना आगे रह गया, कुछ मार्क्स मेरे कट गए बायो में है ना, पूरा सेंटर में सबसे ज़्यादा मैं लिखा था 36 पेज है ना, और सारे बस मेरा एक भी आंसर गलत नहीं थे, मैंने इसी वजह से मेरे कटे आंसर सर, हड़बड़ी मत करो है ना, टाइम है, मैं कहाँ पे था, एक वाई इक्वल टू रूट एक्स अगर आप क्या होगा ये ऊपर समझ नीचे से ऊपर ऐसा बनेगा ना, कोई दिक्कत इसको नहीं ना, क्लियर तो एकदम, इसका क्या बनेगा, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ कैसे होता है ऐसे, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे होता है उसके नीचे ऊपर से नीचे आता है ऐसे होता है ना, हाँ ये है ना, अब मैं यहाँ पे रूट क्या बोलता हूँ इसको, मैं अब रूट कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ क्या होगा सब दिख रहा है हमको, ये बढ़ रहा है ये भी बढ़ रहा है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शन है ना, इस ग्राफ का पॉसिबल है क्या, इसका नीचे वाला का इनवर्स वाला का हाँ, इतना कुछ पॉसिबल हुआ है क्या भाई, मैंने ये किसका वाई कर एक्स का है ना, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वाई कर उन्हें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला कुछ और ऐसे मैंने बता दिया है, और एक्स का कर तो इन तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेकिन वाई कर 1 बाय एक्स का मतलब ग्राफ केवल ऐसे आएगा, और ये क्या करो 1 बाय रूट अंडर एक्स क्या लो होमवर्क ये लो, रिवीजन नहीं करो अच्छे से दिमाग नहीं लगा होमवर्क, मैं इस बार तेरा अच्छे से कर रहा हूं होमवर्क, बात हर जगह आंसर का सोचो, कुछ मैं टाइम दे रहा हूँ तो उसको उसने कुछ है तो भी टाइम दे रहा है, अगर कुछ नहीं रहेगा तो मैं टाइम नहीं दूंगा, सिंपल सा इस बात समझ लो, y इक्वल टू x ठीक है, कैसा होगा ऐसे होगा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर कैसे होगा, ऊपर चल जाएगा, y इक्वल टू रूट एक्स, भाई अभी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही है ना, क्या कैसे एक से कम हो जाएगा है कि नहीं, अब मैं बोल रहा था क्या y इक्वल टू 1 बाय एक्स का बताओ, ऐसे हुआ ना y y 1 इंटू 1 बाय एक्स स्क्वायर का बताओ, और नीचे चल जाएगा एक्स स्क्वायर, ये एक्स एक्स क्यूब हो जाएगा,
देखो एक्स स्क्वायर ले लेता हूँ, एक एक्स स्क्वायर उसका क्या है, एक्स क्यूब है वन बाय वन। अब मैं बोल रहा हूँ कि वाई इक्वल टू वन बाय रूट एक्स है, तो पहली बात ऐसा होगा क्या, ऐसा ही होगा, घट रहा है इनवर्सली है, कैसा है इनवर्सली, ऐसा ही कुछ होगा ना, है कि नहीं है, हमें बताना कैसा होगा इसका ग्राफ, इसके बीच में, इसके बीच में कैसे होगा बताना इस चीज़ को, इससे ऊपर चला जाएगा ऊपर। हाँ वहाँ सही बोल रहे हो, करके दिखाना होमवर्क है, लगभग याद रखना, आ रहे हो लाइन पे कैसे, मैं होमवर्क में दिया हूँ, कैसे में दिया हूँ होमवर्क में दिया, सोचना सुनना ध्यान से, मैं पता है जब मैं वेरी ऑन करता था ना पहली बार, मैंने कभी ट्यूशन नहीं थी तो मुझे बड़ा दिक्कत होता है ऐसा, है ना, तो मेरे दिमाग में कुछ गुजर, बस सब चीज़ों को क्या करूँ आसान करूँ, वन बाय एक्स, वन बाय एक्स स्क्वायर, एक्स के बगल में दो रखता हूँ क्या होगा वन बाय टू, दो रखूंगा तो यहाँ पे क्या होगा वन बाय फोर ही तो कम हो जाएगा, और है ना, अगर मैं रखूंगा वन बाय रूट टू बाय वन पॉइंट फोर वन तो और कम हो रहा है, तो इसका सब ज़्यादा बड़ा वैल्यू होगा ना, वेरिएबल के ऊपर कोई नंबर रख के देख रहे हैं, सबसे बेस्ट तरीका है ये, है ना, हालांकि मैं हालांकि अभी फिर भी होमवर्क में दे रहा हूँ, है ना, कोई दिक्कत है, चलो देखो जो रिवीजन कर रहा है उसका देखना कितना ग्रिप पकड़ेगा, ग्रिप देखना कैसा पड़ेगा जो रिवीजन कर रहा है, रिवीजन बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, सुना ध्यान से, वो चैप्टर में पढ़ाया नहीं हूँ, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाऊंगा फिर मैं बता रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बोला बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज ड्यू टू चुटकी बता, इलेक्ट्रिक फील्ड टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है पता, फॉर्मूला मैं नहीं बताऊंगा अभी, फॉर्मूला में पढ़ाया हूँ क्या, नहीं ना, बस मैं रिलेशन बता रहा हूँ डिस्टेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड का, आर के बेस में क्या होता है ई डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ठीक है, क्वेश्चन आया हुआ है इसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, रिलेशन क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और ये रेडियस में, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है, क्या होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है, फिर सुनना दूसरा चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल, ड्यू टू डायपोल इसका क्या होता है पता है, इक्वल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब होता है, क्या होता है आर क्यूब होता है, एक और कोई बताएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड टू लाइन चार्ज क्या होता है इसका, अगर टू पे लैम्डा बाय आर होता है तो सिंपल सा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर आ रहा है ना, क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड टू लाइन चार्ज फॉर्मूला टू के लैम्डा बाय आर, सब छोड़ो रिलेशन क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, रिलेशन क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, क्या सबका ग्राफ बना सकते हो कि नहीं, अच्छे से बना सकते हो ना, पता प्रीवियस क्वेश्चन से है कि नहीं, अच्छी किस तरह बताते हैं हमें नहीं पता, पर मैंने बताया समझ में आया कि नहीं आया, अच्छे से समझ में ना, मैं क्या लिखा हूँ पहला इलेक्ट्रिक फील्ड टू पॉइंट चार्ज में क्या है आर स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड टू डायपोल में क्या है आर क्यूब, इलेक्ट्रिक फील्ड टू लाइन चार्ज में क्या है आर, ठीक है, तो किसी को दिक्कत है, मैं यहाँ समराइज करूँ, पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, किस रिलेशन होगा ये बाय आर स्क्वायर, है ना, शुरू से ले जाता हूँ, किसे ले जाता हूँ शुरू से लाइन चार्ज से ले जाता हूँ, हालांकि पॉइंट पहले बताया जाता है पर कोई बात नहीं, मैं उस तरफ रहने चलूंगा, ड्यू टू लाइन चार्ज वन बाय आर, ड्यू टू पॉइंट चार्ज ड्यू टू डायपोल वन बाय आर क्यूब, इसकी किसी वजह से है लाइन के वजह से, लाइन चार्ज की वजह से, इसकी किसी वजह है पॉइंट चार्ज की वजह से, और एक किसी डायपोल की वजह से, किसी डायपोल की वजह से, क्वेश्चन दो में कुछ बताओगे तो टॉम भाई जेडी भाई चुटकी भाई, रिवीजन करना बहुत जरूरी है, मेरे क्लास में जितने सारे लड़के थे ना वो पटना गए थे ऐसे कोचिंग के लिए, उतना तो था नहीं कम जो जा सकते थे पटना क्लास इलेवंथ में, ठीक है, तो फिर हम आए पूरा डायरेक्ट हमें है ना इलेवंथ में, सब कोचिंग से आया है और मेरा तजिया तोड़ने वाला था, फर्स्ट जो एग्ज़ाम होने वाला था, तो पता है जब एग्ज़ाम में बैठे तो उतना ही डर था, एग्ज़ाम का रिजल्ट निकला सबसे ज़्यादा मेरा हाइएस्ट मेरा था, है ना, तो सबने क्या किया पढ़ रखा था पूरा डर रहे थे, हम लोग तो पढ़े किए पटना तो पढ़िए का आएंगे, है कि नहीं, मेरा तो मार्क्स आने आना है, भले पास हो गया भले एक भी अच्छा मार्क्स पर हाइएस्ट नहीं रहा, और मेरे डर के कारण मैंने कहीं कोचिंग नहीं किया था कुछ भी नहीं, पर मेरा हाइएस्ट आया था उस बार, मेरा फिजिक्स में हाइएस्ट आया था, केमिस्ट्री में हाइएस्ट आया था, बायो में हाइएस्ट आया था, बस हिंदी में हाइएस्ट नहीं आया था, मैंने चार साल मेरा ही हाइएस्ट आया था,
मुझे हर चीज़ इसलिए अच्छा से याद है क्योंकि मेरा जितना भी मार्क्स आया भाई बहुत मेहनत के बाद है, मैं कोचिंग कभी नहीं किया है ना। आगे चलो ना, कोई दिक्कत है तो कहाँ पे? हाँ क्वेश्चन पे थे ना, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बस डिस्टेंस है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड और रेडियस वगैरह होते हैं, रेडियस वगैरह कितना दूरी पर चार्ज रखे हैं, उस चार्ज की वजह से कितना पे कहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड महसूस हो रहा है, उस समय तो पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। मैं बस अभी ग्राफ बता रहा हूँ, ग्राफ में तो पीएचडी भी आगे करा दूँ। चलो एक बात बता दूँ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड से ये किस किसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ हुआ? ये एक है, ए है, ये बी है, ये सी है, ए कौन सा होगा? हाँ लिखा है ना, पॉइंट की वजह से आर स्क्वायर और ये डायपोल की वजह से आर क्यू है ना। ये किसके वजह से? लाइन की वजह से। किसके वजह से? पॉइंट की वजह से। किसके वजह से? डायपोल की वजह से। किसके वजह से? डायपोल की वजह से। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? तो मैं कहाँ पे था? हाँ एक कौन सा होगा? किसकी वजह से? लाइन की वजह से है कि नहीं है? लाइन चार्ज की वजह से। बी किसकी वजह से होगा? पॉइंट चार्ज की वजह से है ना। सी किसके वजह से होगा? डायपोल। भाई आसान लगा कि नहीं लगा? ऐसा लगा ना तो सा एक ग्राफ देखे थोड़ा अजीब लगता भाई कैसे होगा, पर देखो कॉन्सेप्ट क्लियर उससे पता चल जाता। कोई सही बात है, कोई अस्तित्व भी नहीं रहता है सब सारे क्वेश्चंस के, पर पूछे जाते हैं, पूछे जाते हैं अच्छे खासे क्वेश्चन नहीं है। आगे चलो, मैं तो इसको दिखा देता हूँ अभी नहीं ना, क्या करूँ? वाई इक्वल टू वाई रूट अंडर एक्स का बता ही दूँ क्या? वो पता है, असली बात सच में बताता हूँ। देखो यूनिवर्सिटी पर्पसन है ना, बस एस से ही बनेगा रे, बस है कि एक्स के कि एक्स स्क्वायर के बीच में होगा कि एक्स से पहले होगा, यहाँ पे फंस जाता है बच्चा। एक्स के बाद पर पहले की बात एक्स से छोटा, एक्स छोटा तो घटते जा रहा है ना, दो और रूट दो, दो बड़ा होता है कि रूट दो बड़ा होता है? दो बड़ा होता है ना। नीचे में जब छोटा वैल्यू होगा ऊपर क्या होगा? बड़ा वैल्यू आएगा, ठीक है। इसलिए मैं दिया होमवर्क में, सोचना है ना। मैं बात का सही है, ऐसा कोई बोल नहीं सकता मैं, अगर मेरा बात सारे आप मानो देखना 2023 में मैंने कैसा रिजल्ट लेता हूँ आप लोग को है ना। मानता हूँ कि थोड़ा सा भी मैं है ना, पर देखना बस मेरा बात मानो है ना। और क्या बोलूँ आज रोज बोल दिया। आगे चलो मैं यहाँ तो इसको नोट कर गया कि नहीं किए, आगे चले तब जो चीज से डर लगता था ना वो सारी चीज़ें। किसी को कोई भी डॉक्यूमेंट हो गया इस सब जरूर नहीं किया, और अलग अलग प्रोग्राम जो है अभी मैं इस तरह चला रहा हूँ, जिस तुरंत पूछो देखो उसका कितना आसान सोल्यूशन दे पाऊँ है ना। आगे चलो मैं, चल देखो टाइम पीरियड ऑफ फॉर्मूला, पेंडुलम का फॉर्मूला क्या होता है? ऐसे टू पाई रूट अंडर एल बाय जी होता है, क्या होता है? टू पाई रूट अंडर एल बाय जी। तो दिक्कत है क्या? टू पाई रूट अंडर एल बाय जी होता है। आगे बताओ, मैं बोलूंगा पी वर्सेस एल का ग्राफ ड्रॉ करके कैसे करेंगे? मैं तो पहले लिखूं मतलब एकदम सिंपल सा है, सिंपल सा स्ट्रेट लाइन इतना ही होगा ना, ये तो रूट एल है ना, ऐसे हो जाएगा ना, ऐसे होगा ना, कोई दिक्कत है किसी को नहीं ना। अब मैं यही चीज बोलूंगा पी वर्सेस रूट एल का, टी वर्सेस क्या बोला हूँ? रूट एल बोला हूँ। यहाँ क्या बोला था? टी वर्सेस एल बोला था ना, सुनना ध्यान से। टी इक्वल टू रूट अंडर एल, टी इक्वल टू रूट अंडर एल। भाई मैंने ये तो डायरेक्टली पर्पस है इसके, और यही क्वांटिटी को मैं यहाँ रख दिया हूँ, यही क्वांटिटी मैं क्या किया हूँ यहाँ रख दिया था, तो स्टेट बनेगा ना एकदम। यही क्वांटिटी को मैं तुम यहाँ रख दिया हूँ ना, अगर यहाँ पे क्या रखता एल रखता तो क्या बन जाता? ऐसा बन जाता, क्योंकि एल का कौन सा वैल्यू रखा हूँ? रूट वाला वैल्यू रख रहा हूँ है कि नहीं है। और मैं रूट को यहाँ रख दूँगा तो स्ट्रेट लाइन बनेगा ना, क्या बनेगा? स्ट्रेट लाइन। दिक्कत हो रहा है? आइए चलो, तो पीछे क्लास में पता ये वाला मैंने बताया सकल से लगा के आप लोग टी बसेस जी का ग्राफ, टी बसेस जी का ग्राफ बस जी दिया, टी बसेस जी का ग्राफ बना बस ऊपर से नीचे आ जाए चलो है ना। क्यों है टी इक्वल टू कैसा है? इमर्स टी इक्वल टू तो दिक्कत है सोचा भी नहीं ना। जानते इस इक्वेशन से हुबहू हो या नहीं? पी वी इक्वल टू एन आर टी है कि नहीं है? ये एन तो कॉन्स्टेंट नंबर ऑफ मोल्स वगैरह होते हैं, आर गैस कॉन्स्टेंट, अगर टेम्परेचर भी मैं कॉन्स्टेंट बोल दूंगा क्या होगा? पी वी इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉन्स्टेंट हो जाएगा ना, है ना। हाँ
पीवी पर क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे। मैं बोलूंगा चलो बना प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ बना, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, पी वर्सेस वी का ग्राफ बना, वही ये पी और वी क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। पानी का टेम्परेचर अगर कौन सा है तो टोटल टर्म कौन सा ही हो गया ना, है ना। तो पी वी कौन सा, बी को नीचे कर दूंगा मैं, है कि नहीं। कौन देखो मैं कुछ लिखा था कहीं कॉन्स्टेंट बाय वेरिएबल लिखा था ना कहीं, यहाँ पर कॉन्स्टेंट आया कि नहीं आया। बी को मैं लिखूंगा क्या हो जाएगा, बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट बाय बी लिख दूंगा। कॉन्स्टेंट का कोई जरूर नहीं, छोड़ो उसको, छोड़ते हैं पी बाय वन भी बचा ना, क्या बन जाएगा। आज क्लियर आगे बढ़ू। एक फॉर्मूला में देखना अभी, हालांकि सर को बाद में बता रही हूँ, कांटे कांटे पी स्क्वायर बाय टू एम, पी स्क्वायर बाय टू एम बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, यूज है इसका बहुत ज्यादा, है ना। पी मतलब मोमेंटम, एम मतलब मास, के मतलब काइनेटिक एनर्जी, है ना। कि मैं पहले बोल रहा हूँ एम कॉन्स्टेंट है, क्या एम कॉन्स्टेंट है, दोनों को तो वेरिएबल नहीं रखूंगा ना, एम कॉन्स्टेंट है तो बताओ काइनेटिक एनर्जी वर्सेस पी का ग्राफ क्या होगा। काइनेटिक एनर्जी वर्सेस पी का ग्राफ, ठीक है। तो मैं लिखा हूँ क्या लिखूंगा बता दो, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस पी का ग्राफ, तो तुम यहाँ पर पी स्क्वायर है ना, ऐसे हो जाएगा ना, है कि नहीं। अगर मैं यही लिख दूं काइनेटिक, यही क्वांटिटी को सेम टू सेम यहाँ लिख दूं मैं, तो क्या हो जाएगा स्ट्रेट लाइन, क्योंकि मैं वही क्वांटिटी को रख दिया, उसको रिलेशन नहीं रखा, वही क्वांटिटी को मैं क्या किया रख दिया, इसे आया समझ में कि इस दिमाग से जा रहा है नहीं ना। आगे चलूं मैं, मैं अगर देखो अगर काइनेटिक एनर्जी बसेस पी का लिखा हूं पर रिलेशन कैसा दे रखा स्क्वायर का ना, तो ऐसे चल जाएगा। अब मैं यही क्वांटिटी को यहां रख दूंगा पर रिलेशन तो डायरेक्ट यही है, डायरेक्ट रिलेशन तो यही हुआ ना, बस पी का ऊपर जाता है। हां 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 स्क्वायर को ऊपर जाता है स्क्वायर, जो रिलेशन अगर दोनों रिलेशन को मैं डायरेक्ट लिखा तो जो असली लग रहा है वो वैसे ड्रॉ कर दूंगा, कोई दिक्कत है नहीं ना। अब मैं क्या कर रहा हूं, चलो भोलू भाई ये कांस्टेंट रखा, तो बता आप कैसा कैसा करना पड़ेगा, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस मास का, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस मास का कैसा करना पड़ेगा। चुटकी आप चुटकी लग रहे हो, ऐसे बन जाएंगे ना, आप सुस्त हो गए हो क्या, ये बन जाएंगे, यही होता है क्लासेस एक दिन बंक करने के। सब किसका दोस्त है, मेरा टॉम भाई है। आगे मैं चलो काइनेटिक मास का क्या हो जाएगा ग्राफ, ऐसे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। कुछ अच्छा करो भाई, हम सब मिलके किए, कुछ खराब करो किसका नाम फंसाएंगे, टॉम भैया का। पाई का वैल्यू आता है, और जो सर्कल होता है ना पता है क्या होता है, म्यू नॉट आई बाय टू आर हो जाता है। ये मैं दूसरे जगह बात बोल दिया, मैं यहाँ टू आर भी लिखता ना आंसर सही होता भी लिखा, टू आर भी लिखता आंसर टू पाई आर भी क्या होता है आंसर सही होता है भाई। डायमेंशन तो अभी ये बस एक वैल्यू है ना, जब एक स्क्वायर होता है ना पता है नीचे में टू पाई आर होता है, जब सर्कल होता है ना तो वहाँ पे टू आर सबसे सारा सर्कल टू पाई आर होना चाहिए और स्क्वायर को टू पाई आर लेकिन उल्टा होता है, वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में प्रूफ करूंगा इसे, याद रखना अभी मैंने बताया, अभी मैंने बताया तुम्हारे पूछूंगा एक बार मैंने बताया, ठीक है। कोई दिक्कत है तो सही कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, चलिए दिक्कत है यहाँ तो मैं किसी को आगे बढ़ू। अब पेरा बोला अच्छा ठीक है ठीक। मैं वाई पर क्या बता दिया, एक्स स्क्वायर का बताया कि नहीं बताया, देखना भाई तुम लोग को सच में बताऊ, मैंने समुद्र का गहराई से मैंने लाया था तालाब में, तालाब से वहां नहीं लगा था, समुद्र का गहराई से तालाब में, वाई पर एक्स स्क्वायर का ग्राफ बताया कि नहीं मैं बताया, दिमाग का दही, दिमाग का दही उसको खा भी जाते हम लोग है ना, किसका खाते हैं फिर अपना वाला ही खाते हैं। पैराबोला क्या ये किसका ग्राफ है, ये पैराबोला का।
पे किसका ग्राफ है ये? कॉन्सेंट्रेट करो तुम यहाँ पर, किसका ग्राफ है ये? पैराबोला। पैराबोला का। अब मैं क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, चल बनाए सर एस स्क्वायर वाला पैराबोला ही ऐसे, और ये माइनस एक्स स्क्वायर, मैं स्क्वायर में थोड़ी दिया हूँ माइनस, मैं तो माइनस बाहर में दिया हूँ, ऐसा थोड़ी सेकंड क्वार्टर में। सुनो भाई, मैं उसको एक नाम ही दे देता हूँ, ऐसे भी कॉन्सेप्ट क्या बोला था, जब वेरिएबल्स को क्या करे, कुछ नंबर कुछ नहीं समझ आया तो नंबर रख के देखो, क्या रख के देखो नंबर, मैं यहाँ दो का नंबर रखो चार हो जाएगा ना, कोई भी चार आया ना, मतलब यहाँ पर जब तक भी गया होगा क्या होगा, चार होगा, मैं मान के चलता हूँ, जब दो रखा होगा यहाँ पे दो रखा क्या होगा माइनस चार, तो इधर बढ़ा के इधर कर दूँ, कोई बात नहीं, आया कुछ नहीं आया कि समझ में, क्या करो ठीक है, दो क्वेश्चन, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस जीरो है, जीरो एक है, मैं क्यों दे रहा हूँ, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, एक का एक्स का वैल्यू मैंने जीरो दिया हूँ, और फिर उसके बाद वन दिया हूँ, फिर टू दिया हूँ, फिर थ्री दिया हूँ, फिर उसका ग्राफ को सवा बना के लिखा पेरा बोला, मैं ये क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये मैं क्यों दूँ आपको, फिर से पता रहा उससे, मैं क्या बोला हूँ, वाई इक्वल टू है एक्स स्क्वायर, क्या है एक्स स्क्वायर, तो एक्स का वैल्यू मैंने क्या दे रखा है, जीरो दे रखा है, वन दे रखा है, टू दे रखा है, सबका एक्स एक्स का लगा के बनाना, हाँ बनाना, बना 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 जल्दी से बना एकदम, ए ढोकला सिंह बना, जीरो का तो नहीं लेकिन जीरो है ना, एक्स इक्वल टू वन, ये जीरो का तो बनेगा ही, जीरो ही हो जाएगा, कांस्टेंट बनेगा जीरो, तो भाई मैं यहाँ पर से ले लूंगा जीरो जीरो, यहाँ पर पड़ेगा, गोपी में कलम घिसो, गोपी क्या करो कलम घिसो, तब समझ में आएगा क्या बोल रहा, क्या मैं पहले भी बोला गोपी ऊपर ऊपर से रिवीजन पे पता नहीं चलता, करो करो जल्दी करो, उधर से ले जाओ ना, देखो सुनो 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 सही बनाए, आधा सही बनाया, एक्स में से टेबल बना देता हूँ, ठीक है, वाई और एक्स मतलब एक्स इसके लिए टेबल बना देंगे, क्या बनाते हैं पैराबोला के हमेशा टेबल बनाएंगे, एक्स वैल्यू जीरो है ना, तो एक्स वैल्यू क्या है जीरो, जीरो का स्क्वायर करना जीरो ही होगा, यहाँ जीरो ही होगा, जब एक रखूंगा तो एक ही होगा ना, इधर भी क्या होगा एक ही होगा, है कि नहीं, जब मैं ये दो रखूंगा क्या रखूंगा, दो रखूंगा एक्स वैल्यू बीच कितना होगा, चार होगा, क्या होगा, क्या दिक्कत नहीं, ठीक है, तो दिक्कत हो रहा है क्या, एक्स में क्या क्या लिया हूँ, जब जीरो रखा है क्या है जीरो है ना, तो मतलब यहाँ दोनों तो ओरिजिन पर क्या बोले, हाँ हाँ सही सही सही, दोनों क्या क्या बढ़ रहे हैं, तो ये जब एक बढ़ा होगा तो ये भी क्या थे एक थे, जब ये दो बढ़ा होगा तो ये कितना हो गया होगा चार हो गया होगा, क्या हो गया होगा चार हो गया होगा, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या जीरो भाई क्लियर नहीं हो रहा, हो रहा है क्लियर ना, कंफर्म ना, सुनाई तो आसान है, ये एक्स है वाई है, जब x जीरो था y कितना था जीरो था ना, तो यहीं पे रखता हूँ, ठीक है, जब एक था ये भी क्या था एक था ना, मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूँ, जब ये दो था ये कितना हो गया चार हो गया ना, जैसे ये दो आया हुआ है कितना हो गया चार हो गया, कितना आसान है, जैसे x दो आया तो ये y चार हो गया, हाँ एकदम ऊपर लगा देंगे, है कि नहीं, आएगा तो नौ आ जाएगा, क्लियर हो रहा है ना, एकदम मजा आ रहा है, तो है ना, जैसे सब सोच रहा स्ट्रेट लाइन चल जाएगा, कहाँ से जाएंगे स्ट्रेट लाइन, धीरे 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 ऐसे हो जाएंगे,
पर एक जबरदस्त क्वेश्चन दू, मैं देखता हूँ कौन बनाओगे आप लोगों ना। अभी तो कोई टोके नहीं, मैं कुछ ऐसा चीज बोला कि आपको टोके नहीं है, वैसे तो कोई बात नहीं। एक्स वैल्यू जो है ना मैं जीरो लिया हूँ, फिर एक्स वैल्यू में प्लस माइनस वन लिया हूँ, फिर वाई का वैल्यू ना मैं क्या बोलता हूँ प्लस माइनस टू लिया हूँ, फिर वाई का वैल्यू में प्लस माइनस थ्री लिया हूँ। इसका ग्राफ बना के दिखाओ, मजा आ जाएगा। प्लस माइनस का ये अच्छा बताओ, अगर इसको मैं माइनस लू या प्लस लू हमेशा क्या रहेगा, प्लस ही रहेगा ना जी, हमेशा क्या रहेगा प्लस रहेगा, क्या रहेगा हमेशा, हमेशा क्या रहेगा प्लस रहेगा, हमेशा प्लस रहेगा है कि नहीं। ये इसको मैं पॉजिटिव या नेगेटिव लू, ये लड़का ने बोला एक बार जीरो लूंगा, जीरो एक जीरो हो जाएगा, मतलब यहाँ से लूंगा फिर ये एक होगा प्लस रहेगा, माइनस हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, तो हमसे क्या रहेगा ऊपर रहेगा ना, हमेशा क्या रहेगा ऊपर रहेगा, हमेशा क्या रहेगा ऊपर, वाई हमेशा क्या रहेगा पॉजिटिव ना रे, तो हमसे क्या रहेगा ऊपर रहेगा ना, हमसे क्या रहेगा ऊपर। जब जीरो लिया जीरो था, एक लिया एक हुआ ना, एकदम स्ट्रेट गया था, कैसा गया स्ट्रेट, मैं जैसे दो लिया क्या हो जाएगा टर्न ऐसे हो जाएगा, टर्न ऐसे होगा ना, जब पॉजिटिव पॉजिटिव ले रहा था, पॉजिटिव के थोड़ा देखिए ये भी पॉजिटिव है, ये भी क्या है पॉजिटिव है। अब जब एक्स को मैं नेगेटिव लेने लगा तो इधर देखने लगूंगा ना, ठीक है, जब ये माइनस वन हो जाएगा, फिर जैसे माइनस दो का माइनस दो हो जाएगी ना, फिर भी क्या होगा पॉजिटिव होगा, तो यहाँ भी चार यहाँ भी चार, तो हमसे पॉजिटिव नहीं रहा ना, अगर पॉजिटिव एक बार क्या लिया नेगेटिव लिया, अच्छे से क्लियर हुआ ना। अरे वाई का गलती से दे दिया, गलती से दिया, त्रिशूल निशा बन जाएगा भैया। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल, इसको पैराबोला ही बोलेंगे, अपवर्ड पैराबोला। सुनो सुनो, पहले जीरो लिया था इधर पॉजिटिव में, तो जीरो कुछ नहीं पड़ा, एक लिया था इधर पॉजिटिव, इधर हमेशा पॉजिटिव होगा, मैंने अभी किसका ले रहा हूँ बस पॉजिटिव लग रहा, प्लस वन ले रहा हूँ, प्लस टू ले रहा हूँ, प्लस थ्री ले रहा हूँ, एक बार प्लस टू प्लस वन प्लस टू, प्लस वन लिया कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा दो लिया इधर, इधर दो बढ़ा, इधर कितना बढ़ गया चार, फिर तीन लिया इधर तीन ही बढ़ा, इधर कितना बढ़ गया नौ, है कि नहीं, ऐसे चलेगा ना, ऐसे चल जाएगा, कैसे चलेगा ऐसे चलेगा। जैसे माइनस वन लूंगा सेम चीज, माइनस टू लूंगा सेम चीज, ज्यादा किस अगर माइनस नौ तक पहुंचे, माइनस नहीं तो हमेशा नौ ही रहेगा, ये नेगेटिव टर्म होगा, क्या होगा ये नेगेटिव टर्म होगा, ग्राफ कैसे बन जाएगा ऐसे बनेगा ग्राफ, है कि नहीं है, ये वन पॉजिटिव में, ये दो पॉजिटिव में, ये क्या होगा माइनस वन, ये माइनस टू, आया समझ में। वाई हमेशा क्या होगा पॉजिटिव होगा, एक्स को हम पॉजिटिव ले या नेगेटिव, वाई हमेशा किधर होगा यही में होगा, किसमें होगा इसी में, ठीक है भाई। अभी तक तो कोई टोक दो जी मैं टोकने बोला दिमाग में नहीं आया, ये चीज तो सही है, ये चीज सही थोड़ी है, मैं कुछ बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना, सुनना मैं वाई इक्वल टू के मैं क्या बोला एक्स स्क्वायर ना, एक्स पॉजिटिव लू या नेगेटिव लू, अगर मैं पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ले रहा हूँ ठीक है, तो ग्राफ ऐसे बनेगा ना, है कि नहीं है। अगर y को मैं माइनस एक्स स्क्वायर लूंगा इस तरह कैसे गोल बन जाएगा, आपने बोला था सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, मैं बस सोचा उसने क्यों बोलूं, मैं पढ़ा लेता हूं तब पता चलेगा, तो वेरिएबल लेकर के माइनस मतलब एक्स का कोई सेकंड नहीं है, फर्स्ट वेरिएबल अगर ले रहे हैं तो ये बनेगा ना भाई, y हमेशा क्या हो जाएगा नेगेटिव में हो जाएगा ना, तो नेगेटिव तो y ये होता है, ये तो पॉजिटिव y होता है, इसलिए मैं उस टाइम नहीं टोका। चलो मैं बता लेता हूँ उसके बाद फिर बताता हूँ क्या इसका मतलब है कि नहीं, वाई हमेशा नेगेटिव में रह गया ना, तो हमेशा नीचे ही लेंगे ना, वाई को हमेशा नीचे ही लेंगे, आ रहा है मजा, ठीक है चलिए ठीक है। इसीलिए मैं बोलता हूँ है ना, मैं क्लास नाइन का स्टूडेंट आपको पहले ही सुना चुका हूँ कि सर मैंने ये पेज क्या बोले थे सर, ये पेज आप लोग बाबू देखा है, बोले सर मैंने तो देखा, कहाँ देखा सर, आपके हाथ में देखा, क्या देखा सर मैंने आपके हाथ में देखा है, तो सर का जोक उड़ गया, सर के बीच में तो मैं पूरा खुश था, ये सर का कोई जोक नहीं, मैं तो जोक बना दिया, मैंने पूरा खुश था, तो सर के बीच में फिर हमको उठाते हैं, अगर तुमको तैरना आता है, काश मैं बोलता नहीं आता, मगर मुझे आता तो जोक नहीं बोल पाया, बोले हाँ सर आता तो पानी तैर लगे, यस सर निकाले एक बोतल, एक बूंद पानी गिरा, बोले चलो पानी तैर के दिखा, चुप हो गया, ठीक है आगे चलो मैं। आप अरे नहीं नहीं मैं जोक के मूड में था थोड़ा सा, है ना, हाँ याद रखना कभी मत भूलना, गुरु गुरु है अभी, है ना। चलो तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे बनेगा, अगर पॉजिटिव नेगेटिव लूंगा, x स्क्वायर में पॉजिटिव ले रहा हूँ नेगेटिव ले रहा हूँ, यहाँ पे देखिए हमेशा पॉजिटिव होगा, हमेशा क्या होगा पॉजिटिव ही हो जाएगा ना, ग्राफ ऐसे बनेगा, है कि नहीं है, अपवर्ड पैराबोला इसको क्या बोलते हैं, ये अपवर्ड पैराबोला होगा ना भाई, y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, ये पॉजिटिव है नेगेटिव, तो हमेशा क्या होने लगा पॉजिटिव होने वाला, पर वाई हमेशा क्या होगा नेगेटिव होगा, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, वाई हमेशा क्या हो जाएगा नेगेटिव ना,
ऐसे डाउनवर्ड पैराबोला क्या बनेगा? डाउनवर्ड पैराबोला है ना, मैं कुछ हिंट कर रहा हूँ, मैं बताऊँगा बाद में, ठीक है? हंसते वक्त ये ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं ना? हंसते वक्त जरा ऐसे बनाते हैं ना जी, और रोते वक्त जरा कैसे बनाते हैं? डाउनवर्ड बनाते हैं ना। ये कौन सा चेहरा है? रोते हुए है ना, रोते हुए, और ये कैसा है? लाफिंग वाला है ना, स्माइलिंग वाला, क्या लिखेंगे? स्माइलिंग, याद रखना इस चीज़ को, मैं बताना होता है। एक ऐसा स्माइलिंग क्या है? रोते हुए, मैं बताऊंगा। हाँ ये पॉजिटिव है, हंसता हुआ क्या है? पॉजिटिव है। वाई क्या होगा? ऑलवेज पॉजिटिव। और ये जो डाउनवर्ड है वाई है क्या होगा? हमेशा नेगेटिव। हमेशा क्या होगा? नेगेटिव। चाहे एक्स को वाई लो या पॉजिटिव लो, सुनना, अगर अपवर्ड है वाई को एक्स को, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव, वाई क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। अगर डाउनवर्ड है मैं एक्स को पॉजिटिव या नेगेटिव, वाई क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। कोई दिक्कत है थोड़ा सा? हमको लगता है अच्छे से क्लियर सब हो गया है। कि दिक्कत है किसी को अभी भी? आगे मैं चलूं? आज का क्लास यहीं तक के लिए रोका जाता है। सी यू।